Assalamualaikum, good morning. Yeah, that's the spirit. ये जो आज सेट लगा हुआ है इसको देख के स्पिरिट्स एकदम सबकी सारे ऑडियंसेस की आपकी हाई हो जानी चाहिए क्योंकि आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं. बहुत मस्ती होगी, बहुत मजा होगा, बहुत लाफ्टर्स होंगे. वैसे मिसालें हमेशा अच्छी की दी जाती है लेकिन कभी कभी लगता है हम अपनी अम्मा के सुतेले बच्चे हैं, हम उनके सगे बच्चे हैं ही नहीं. हे इतनी मीन मिक्स निकालती हैं हमें सही करने के लिए, हमें सही राह पे गामजन करने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ना जाने किस किस की मिसालें देती हैं. आपने मामू के बच्चों को देखा है, फौरन सुबह सुबह उठ जाते हैं और अपना बिस्तर साफ करते हैं. ये नहीं कि रात भर जागते रहें और दिन भर सोते रहें, क्या रूटीन बना लिया है. देखा है अपने खाला के बच्चों को किस तरह अपनी माँ की इज्जत करते हैं, ये देखो किचन में कितना काम कराते हैं. अल्लाह, ऐसी ऐसी मिसालें दी जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं. फिर एक और, वहाँ थोड़ी अम्मी अच्छी हो जाती है, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिपोर्ट कार्ड खराब लेकर आ गया तो उसकी ग्रेड्स छुपा रही होती हैं. अब कोई पूछता है खानदान वाला, क्या तुम्हारा बच्चा किस ग्रेड से पास हुआ? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हो गया, अच्छा. बताती नहीं है, छुपाती है, पर्दे डालती हैं, ऐप पे पर्दे डालती हैं और बहुत मेहनत जो बच्चों पे करती हैं, जैसे कि उन्हें समर कैंप में भेजती हैं या मुख्तलिफ ट्यूशन समर वेकेशन में दिलवाती हैं ताकि उनका बच्चा और एक्सेल कर सके. नहीं बताती किसी को, इसमें क्या छुपाने की बात है. लेकिन पता नहीं, बताती नहीं कि मेरा बच्चा पोजीशन ले ले, मेरा बच्चा. बाकायदा मैंने देखा है माओं को बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते तो ऐसा लगता है माओं के एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ा रही हैं, सुन रही हैं और ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ा रही है लेकिन किसी को बता नहीं रही कि हमारा बच्चा फलानी जगह से ट्यूशन पढ़ता है. तो माँ जो है ना वो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने अजीब सी मखलूक बनाई है, कभी नर्म, कभी सर्द, कभी गर्म, कभी पारा इतना चढ़ा हुआ होता है कि एक 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 चुपेड़े जड़ देती हैं और कभी इतनी मोहब्बत के बच्चों को दबोच लेती हैं बिल्कुल, मेरा लाल, मेरा कलेजा. तो ये जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जो माँ के इमोशंस हैं ये हमें सिखाते हैं जिंदगी में कि जिंदगी एक जैसी नहीं है, जिंदगी उतार चढ़ाव है, सर्दी गर्मी बहार खिजा इन सब चीज़ों का नाम है. और ये जो गर्मी है ना, वैसे तो गर्मी होती इतनी है और उसके बाद बच्चों को गर्मी की छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं. अब बच्चों को गर्मी की छुट्टियां मिल जाती है तो अब माँ को सोचना है करना क्या है, उनकी जो एनर्जी है इतनी सारी उसको यूटिलाइज कैसे करना है, बच्चों को किस तरह सही सिम्त में ले जाना है. क्योंकि जो सोफों पे चढ़ते हैं तो इधर से छलांग उधर, उधर से छलांग इधर, कभी मतलब जिनके बेटे हैं ना, एक दो बेटे छोटे, कभी उनकी चिन फटी हुई है, कभी आँख पिट्टा का आया हुआ है, कभी एड़ी में कुछ हो गया है. मेरी बहन के माशाल्लाह से दो बेटे हैं और एक बेटा तो हो ही सकता, वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता है, कभी कहीं से गिर जाता है, कभी कहीं से. इतने शैतान हो जाते हैं ये लोग छुट्टियों में क्योंकि वो सारी एनर्जी जो स्कूल जाने में लगती है वो कहाँ यूटिलाइज हो, वो कहाँ निकालें. हर कोई मतलब अपने अपने घरों में होता है और फिर माएँ दुआ करी होती हैं, अल्लाह मियाँ जल्दी स्कूल खुल जाए, अल्लाह मियाँ जल्दी स्कूल खुल जाए. मैंने कहा रोज मैं खवातीन के लिए प्रोग्राम करती हूँ, आज मैं अपने भांजे भांजियों भतीजे भतीजों के लिए प्रोग्राम करूँ. यार छोटे से बच्चे सुबह चाय कुछ भी हो, वैसे स्कूल जाने के लिए सुबह नहीं उठेंगे, अभी छुट्टियाँ हो गई ना सुबह उठ जाते हैं, मम्मा आई एम हंग्री. मेरा बेटा सुबह उठाओ तो नहीं, मुझे नहीं उठना नहीं. और अभी सुबह उठेंगे और ख़ास तौर पर जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, ख़ास तौर पर उस दिन तो जनाब उठकर उनको तो भूख लगनी है. 7 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे उठ जाएंगे सुबह और कहेंगे आई एम हंग्री. अब तरस आता है क्या करें. मैंने कहा बेटा 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे संडे, एक दिन तो सोने दिया करो. आज मेरे पास यहाँ बहुत क्यूट से बच्चे होंगे, बहुत मजेदार शो होगा, बहुत क्यूट सा शो होगा. बच्चों के साथ मैं गेम्स करूंगी, मस्तियां करूंगी, आपको आइडियाज दूंगी कि घर में बच्चों को किस डगर पे लगाना है ताकि आप अपने सारे काम भी कर सकें, दोपहर में सो भी सकें, खाने भी पका सकें, इफ्तारी की तैयारी भी कर सकें और ज्यादा चिल्ला. वैसे यार रोजे में कैसे आप इतना चिल्लाएंगे, चीखेंगे और गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा होता है, बच्चे तो तंग कर रहे होते. तो मैं चाहती हूँ आप कम चीखें और वो चीख आपकी कम ऐसे होगी जब बच्चे बिजी होंगे, बजाय इसके कि वो टीवी के आगे कार्टून लगा के बैठे होंगे. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप उनको बना के दे सकते हैं, आपस में बहन भाई खेल लेंगे. यार बचपन का कोई गेम याद है तुम्हें, तुम लोग कोई आइडिया दे सकते हो, हमारी जो व्यूअर्स हैं कोई घर में कोई ऐसा गेम बनाओ. एक तो मुझे याद है एक वो गेम होता था जो हम उसको जो कागज़ होता था, कागज़ को फोल्ड करके फिर वो रेड ग्रीन फूल है ना, वो हाथ से नहीं बनाते थे ये रेड ग्रीन. मुझे मैं इस तरह कर रही हूँ लेकिन मुझे बताना नहीं आ रहा उसका नाम क्या है.
तुम लोगों को कोई गेम पता है जो घर में खेल सकते हैं? क्या करें, अम्माएं रिलीफ कैसे दें, कोई आइडिया दो ना यार। हाँ, चोर बादशाह वजीर। चोर बादशाह वजीर, वो जो वो वाला? नहीं नहीं, वो अक्कड़ बक्कड़। बचपन की कहानी जब याद करते तो आप बच्चे ही बन जाते। हाँ, वो चोर बादशाह वजीर क्या होता है? चोर बादशाह वजीर होता है ना, उसमें हाँ। चिट्स होती है, लेकिन आप तो दूसरा बोल रही है। अच्छा, चिट्स क्या होती है? वो चिट्स डाला और जिसपे चोर आया, बादशाह आया, वजीर आया, फिर एक दूसरे को जज करते, मतलब कि कौन का चोर है कौन बादशाह। अच्छा, गेस करना था, याद आ गया, मैंने भी खेला है। और बताओ यार, और कोई अच्छा आइडिया? हाँ, एक तो घर में काटम खूटी भी खेल सकते हैं, लेकिन वो बोर हो जाएंगे जल्दी। आई थिंक नेम प्लेस थिंग। नेम प्लेस एनिमल थिंग, यस। और इसमें आप पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। नेम प्लेस एनिमल, जब हम वेकेशन पे जाते हैं ना, जब सब हम एक साथ एक कमरे में बैठे होते हैं, मियाँ बीवी तीनों बच्चे, तो हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं। इतना कोई खास मजा आता है, क्योंकि यासिर हमेशा स्पेलिंग गड़बड़ लिख देता है और फिर हम सब मिलकर उसको रिकॉर्ड लगाते हैं, कहते हैं नहीं ये शहर तो है दुनिया में, ये मुल्क तो है, डट जाते हैं। यकीन माने, एक दफा एल आया तो लांडी लिख दिया मैं, ये क्या बात हुई। हाँ वो बोलो, कह रही है ना। हाँ, वो बेबी कलर, बेबी विच कलर डू यू वांट, वो वाली गेम कह रही हैं। वो जो उसमें होता है फूल बना हुआ होता है। अच्छा, बेबी बेबी कलर्स, बेबी बेबी विच कलर डू यू वांट। पुराने हो गए ना यार, हमने बड़े खेले हैं बचपन में, याद थोड़ी है। और बच्चे अब मोबाइल छोड़ते नहीं है, बच्चे कहाँ ये गेम खेल रहे होते हैं, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे। हाँ, और कोई बताओ गेम, और बताओ, हमने माओ की हेल्प करी। वो होता है चील उड़ी कौवा उड़ा, और उसमें चमाट लगता है। हाँ, और बताओ, माइक उधर दो, तुम लोग भी बताओ यार, हेल्प करो, एक साथ सारी खवातीन की हेल्प करनी चाहिए। हाँ भाई, उधर माइक दे दो ना। हाँ बताओ बताओ। छम-छम खेल रहे होते हैं मिलके। हाँ, और हाँ, इसी तरीके से आजकल तो अल्फाबेटिकल गेम्स भी हम ऐसे ही खेल सकते हैं। हाँ, जैसे कि वन बाय वन जो है, अगर दो तीन लोग एक साथ हैं तो वन बाय वन एक हैंड पे काउंटिंग भी वो कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी। मैं तो अपने भतीजे के साथ ऐसे ही खेलती हूँ। अच्छा जी, हम लोग अपने शो पे इतने गेम्स दिखाते हैं कि हेडफोन लगा देते हैं एक के कान में। अब आपके पास मोबाइल है, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, आपने वो लगा दिया एक के कान में, और दूसरा जो है आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके कान में म्यूजिक चल रही है। हम नहीं वो खेलते एक साथ सामने आमने खड़े होके, वो कितना मजे का गेम लगता है। उसमें हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है कि आप बोल कुछ रहे, दूसरा समझ कुछ रहा है, क्योंकि उसको आवाज नहीं आ रही होती, वो लिप्स रीड कर रहा होता है। तो ये भी बहुत मजे मजे के गेम है, अगर माएँ चाहें यूटिलाइज करना। साथ साथ बच्चों को काम में आप इस तरह लगा सकते हैं, आप उनको कोई बिंड मटर दे दें कि मटर छील के दो, तंग करते हैं बच्चे, आइडियाज निकालने पड़ते हैं। अब मेरे घर में बला छोटा है, बाकी सब बड़े हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम होती है, वो बेचारा हर वक्त जब भी जाओ, मम्मा आई एम फीलिंग बोर्ड, आई एम फीलिंग बोर्ड, हर वक्त उसका यही। फिर या तो उसको किसी दोस्त के घर भेजो उसका हम उम्र, या किसी को बुलाओ, तो ही छुट्टियां गुजर सकती हैं, वरना इतनी सारी छुट्टियां कैसे गुजरेंगी। चले आए, आज तो ढाई घंटे मैं बेबी सिट कर रही हूँ आपके बच्चों को, ठीक है ना? आप जाएं, अगर सोना चाहती हैं सो जाएं, बच्चों को बिठा दें यहाँ टीवी के आगे, मैं बेबी सिट करती हूँ आज ढाई घंटे, उनका मैं पूरी एंटरटेनमेंट का ख्याल रखूंगी, और उसके बाद आप नींद पूरी करके उठ जाएं और मुझे दुआएं दें। अब यही तो करती ना आपस में मैके वाले बहनें, अक्सर जब खवातीन की नींद पूरी नहीं होती तो वो बच्चों को लेके अम्मी के घर चली जाती है, अम्मी को बच्चा पकड़ाया और अम्मी मैं सोने जा, होता है ऐसा? किस किसने किया है ऐसा? किस किसने किया है यार? बस हम दोनों ने किया है, और ये तीसरी भी हाथ देखा उठाया, और अम्मी कह रही है तुम यहाँ सोने आती, लेकिन अम्मी फिर भी खुश हो जाती है कि मैंने अपनी बेटी को इस उम्र, मतलब लाइक मेरी बेटी को भी मैं, आप भी कोई हेल्प कर सकती हूँ, और अम्मी हमेशा आगे रहती हैं हेल्प करने में। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी मस्ती। पता है कौन आया हमारे पास? अब आप उसको या तो पायरेट कह ले, आप उसको या तो काउबॉय कह ले, या आप उसको बादशाह सलामत कह लें। जरा कुछ गैसेस, कुछ आप समझे। मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रही हूँ जो गोलू मटोलू रूई का गोला है, उससे मेरी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मेरा बेटा बलाज भी उससे थोड़ा थोड़ा जेलस होता है,
बार बार कहता है ये आपके ड्रामे वाला बच्चा है, ये आपका रियल बच्चा नहीं है या आपके टीवी वाला बच्चा है, मगर अगर मैं बलाज मेरी कोई बात सुनता नहीं है तो मैं उस बच्चे की मिसाल देती हूँ जो यहाँ आ जाए कि वो तो मेरी बड़ी बात सुनता है, ठीक है मैं उसको बेटा बना लूंगी, तो बलाज फौरन मेरी बात मान जाता है। कुछ समझे? हमारे प्रोग्राम पे आया, मेरे बहुत सारे क्लिप्स उसके साथ वायरल हुए, फिर मैंने उसके साथ कमर्शियल किया, मेरी और उसकी बहुत अच्छी कनेक्शन है, हम दोनों का बस गाल ही मिलते हैं गोलू गोलू से, और कुछ नहीं मिलता। जी अहमद, अहमद होगा मेरे शो पे आज, तो तैयार रहिए एक फन पैक्ड शो अहमद के साथ और हमारे सेलिब्रिटी के बच्चों के साथ देखने के लिए, बड़ा मजा आने वाला है। चलो अम्माओं बच्चों को बिठाओ यहाँ और अपनी तैयारी करो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे प्यारे प्यारे भांजे भांजियों भतीजे भतीजियों, आज निदा खाला निदा फुप्पो जो भी कहना चाहो, तुम्हारी अपनी लेकर आए हैं तुम्हारे लिए एक एंटरटेनमेंट फुल पैक्ड शो जिसमें मैं बहुत मजे कराने वाली हूँ, आपको बहुत मस्तियाँ कराने वाली हूँ, और सबसे पहले हमारे छोटे सुपरस्टार जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नाम दिया है इतनी सी उम्र में, इतनी सुपर में तो मैंने मुझे नहीं याद कि कोई इतना मशहूर हुआ होगा जितना ये मशहूर हो चुके हैं अपनी मासूमियत से। ऐसे ये नन्हे फरिश्ते हैं कि इनको अभी बुरी आबो हवा नहीं लगी, और इंशाल्लाह हम इन्हें बुरी आबो हवा से बचाते रहेंगे ताकि इनकी मासूमियत बिल्कुल ऐसी रहे जिसकी वजह से ये मशहूर हैं। हमारे बहुत प्यारे मासूम से, या तो मैं आप उनको कहूँगी पायरेट, या मैं उनको कहूँगी काउबॉय, या मैं उनको कहूंगी हमारे राजा। आइए वेलकम करते हैं मेरे छोटा शहजादा अहमद। कैसे हैं? किसके शो पे आ गए हैं? निदा बाजी याद है? डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको ARY में ट्रांसमिशन करना वसीम बदामी के साथ, फहद मुस्तफा के साथ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना घर घर है ना? अभी रोज आ रहे हो इतने दिन से, बोर तो नहीं हुए हो? मजा आता है रोज? हाँ, क्या करते हो? सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, फिर उसके बाद तैयारी करते हो? आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है कि आपने ये याद करना है, पोयम याद करनी है, हैं? मजा आता है? वैसे मजा आ रहा है टीवी पे आने, अच्छा लगता है कि मतलब बोरिंग है, थोड़ा सा बोर हो जाते हो कभी कभी, दिल चाहता है कि मैं खेलूं। बैठ जाओ यहीं पर, नीचे बैठ जाती हूँ, है ना? नीचे बैठे ऊपर बैठे कहा क्या करें, कहा जहाँ आप कहें वहां मैं बैठूंगी, जो आप कहेंगे आज वही होगा हमारे शो पर। डॉक्टर साहब जरा मेरा टेस्ट तो करें, मुझे बुखार तो नहीं है? डॉक्टर साहब देखें, बुखार तो नहीं है मुझे, हैं? अच्छा बात सुने, आपने ये क्यों कहा पीछे देखो? अब सब पीछे देखो कहने लगे। अच्छा बताइए ना, बुखार तो नहीं है मुझे? मैं सही लग रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक लग रही है? हाँ टेस्ट करेंगे आप मुझे? कैसे डॉक्टर टेस्ट कैसे करते हैं? सीखा ये कान में लगा के टेस्ट कैसे करते हैं? आपका टेस्ट होता है? इंजेक्शन तो नहीं लगाओगे, बढ़ाओगे? नहीं। चलो वहाँ पे बैठते हैं ना, वहाँ पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठे। अच्छा लग रहा है, सेट तो देखा यार हमारा, देखा आपके लिए हमने सेट सजाया है भाई, आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठोगे? हाँ। अरे बाप रे, 1 2 3 एंड सही है, सही बैठे हैं आप। अच्छा यार बड़े दिन हो गए आपसे बातें नहीं हुई मेरी, हैं? आप मुझे याद करते हो जब चले जाते हो? अरे पता है लास्ट टाइम ये आया था तो ये मैंने कह दिया था पेशावर, गोरा चुट्टा पठान लगता है, पता चला ये डेरा इस्माइल खान का है,
उसके मामू ने मुझे बाद में बोला कि बाजी आपने तो उसको पेशावर का मशहूर कर दिया, ये तो डेरा इस्माइल खान का है, तो डेरा इस्माइल खान के लोग इतने प्यारे होते हैं आपके जैसे। अहमद मैं आपको देख रही हूँ रोज, आप इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हो, इतनी प्यारी शलवार कमीज, चप्पल तो देखो अहमद की, चप्पल तो दिखाएं जरा, अल्लाह। अहमद ये तो आप, आपके पास तो बहुत सारे कपड़े हो गए होंगे हैं, क्या इतने सारे कपड़ों का करते क्यों, अच्छे लगते हैं आपको नए नए कपड़े पहनना? ज्यादा अच्छे कौन सा रंग लगता है आपको? येलो। ये तभी तो मैंने आज येलो पहनना है, अहमद की पसंद का रंग ये वाला है ना कलर येलो। अच्छा चलो ये वहां पे वो देख रहे हो रेनबो, वहां पे कौन कौन सा रंग नजर आ रहा है अहमद को, कौन कौन सा रंग है बताओ मुझे, रंग के नाम पता है कौन कौन से बताओ? येलो, ओके, और एंड ब्लैक। ब्लैक तो यहाँ नहीं है लेकिन होगा कहीं, यहाँ बाल हैं, चलो मेरे बाल ब्लैक हैं, ओके आगे, और एंड ऑरेंज, ऑरेंज एंड ग्रे, ग्रे बच्चों ग्रे। अच्छा और कौन कौन से कलर्स हैं, कौन कौन से कलर्स आते हैं आपको, कलर्स के नाम और बताओ। रेड नहीं पसंद? रेड, ब्लू, येलो और ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, हाँ फिरोजी, ये ग्रे कहाँ से डिसेंट कलर उठा के ले आया अहमद। जब आप बाहर जाते हो, अब तो माशाल्लाह आप इतने मशहूर हो गए हो, जब आप जैसे कहीं बाहर जाते हो तो आपसे तस्वीरें खिंचवाते हैं लोग, तंग आ जाते हो कभी कभी, थक जाते हो तस्वीरें खिंचवाते खिंचवाते हैं, फिर क्या कहते हो उनको? कुछ भी नहीं कहते, बस खिंचवाते रहते हो, थक जाते हो, कभी दिल चाहते है कि कोई भी नहीं आए मेरे करीब, बस मैं अकेला खेलता रहूं, नहीं गुदगुदी होती है आपको? गुदगुदी करूं हैं, गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती है, गुदगुदी होती है, बात हो रही थी जब मेरे घर आए थे आप। अच्छा अहमद ने ये नहीं बताया अभी तक, अहमद तुम्हें खाने में क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है खाना खाना? चावल। चावल, वो जो वाइट वाइट चावल होते जो मैंने खिलाए थे आपको, हाँ और क्या, सालन, सालन में क्या अच्छा लगता है? बोटी। किसकी बोटी, क्या नाम है उस चीज का, किसकी बोटी? बकरी। बकरी की बोटी अच्छी लगती है। वो मुगरी आप कह रहे थे, वो मुगरी की बोटी नहीं अच्छी लगती क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं किसकी बोटी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उस चीज का, क्या नाम है, भूल गई क्या नाम था, भाई याद नहीं आ रहा, याद तो दिला दो, मोग अच्छा मेरे बेटे का नाम याद है आपको, जो छोटा वाला बेटा था जो आपसे खेल रहा था? बलाज। अरे वाह भाई, और जो मेरे मियां उनका नाम तो याद नहीं होगा, वो आपको बहुत तंग कर रहे थे, वो तंग कर रहे थे ना आपको बहुत, क्या नाम है उनका, नहीं याद? उनसे आपकी दोस्ती नहीं हुई ना आखिर तक, दुश्मनी चल रही है उनसे? हाँ अभी चलो मियाँ से दुश्मनी करके बैठा अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फर्ज करो आप डॉक्टर भी बन गए तो डॉक्टर के साथ और क्या बनना चाहोगे बड़े होके? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब डॉक्टर भी बनोगे, इंस्पेक्टर भी बनोगे और सुनो तो सही, और क्या बनोगे तीसरा? सुपरस्टार। सुपरस्टार, माय गॉड, यानी डॉक्टर, इंस्पेक्टर और साथ साथ सुपरस्टार। आप अभी भी सुपरस्टार हैं भाई, आपको बड़े होकर सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं, आप अभी से सुपरस्टार हैं। अच्छा वैसे कभी इतराते हो अपने भाई को, कहते हो अबू बकर देखो मुझे कितने लोग जानते हैं, कभी गरूर आता है? गरूर है, उसको पता भी नहीं होगा गरूर। अच्छा कभी उदास होते हो, रोना आता है? कभी तो रोना आता होगा, रोना क्यों आता है कभी कभार, बड़ा गुस्सा क्यों आता है? अच्छा कभी कभार किस बात पे गुस्सा आता है? वैसे गुस्सा नहीं आता ना, रोना आता है, सिर्फ हंसना आता है। मुर मुर
मुगरी क्या कहते हैं उसे? अच्छा वो क्या था, वो पीछे देखो क्या था, पीछे देखो कैसे बोला था आपने? एक दफा बोल के दिखाओगे? याद है वो? पीछे देखो पीछे। बुलाओ मैं और मेहमानों को, आपको शौक है दोस्त बनाने का, बहुत सारे दोस्त हों आपके, हर कोई आपसे खेले, बहुत सारे टॉयज हों, आपको शौक है या टीवी पे आने का शौक है? किस चीज का शौक है? हाँ इसका, खेलने का, टीवी पे आने का। अच्छा मुझे बताओ, आपको वैसे वो जो तीन थे जिसमें इकरार भाई थे, वसीम बदामी थे और फाहद भाई थे, उन तीनों में सबसे खूबसूरत कौन है तीनों? अच्छा अब अगर वो चारों हो जाए, मैं भी हो जाऊँ शामिल, तो फिर सबसे खूबसूरत कौन है तो हम चारों में? ये जो है ना, ये बहुत पटाख है, तुम बड़े होके वो नहीं बनोगे पॉलिटिशियन, और इसको क्या कहें पॉलिटिशियन को, क्या मैं इसको बच्चे को बताऊं, सदर वदर नहीं बनोगे कोई, जो टीवी पे आते हैं और वो कहते हैं हमारे, हम वजीर आजम, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, तकरीरें करते हैं, वो नहीं बनोगे जो न्यूज में आते हैं? नहीं नहीं वो नहीं पढ़ना। अच्छा पैसे कमाने का शौक है, हैं? कितने पैसे कमाना चाहते हो? कितने, मुंह से बताओ ना। 50 लाख? तो 10 लाख? 10 लाख या 1 करोड़? अच्छा वैसे उस पैसे से करने क्या वाले हो आप? जो वो पैसा कमाओगे आप बहुत सारा, उससे क्या करोगे? गाड़ी। गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी खरीदने का शौक है क्या? कौन सी वाली गाड़ी खरीदने का शौक है? ब्लैक। ब्लैक कलर की गाड़ी? तो चलानी आती है आपको गाड़ी? आपको गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी काली वाली? अच्छा तो आप गाड़ी खरीदोगे, उसके अलावा पैसे बच जाएंगे फिर क्या खरीदोगे? गाड़ी खरीद ली चलो, उसके बाद, उसके बाद क्या खरीदोगे? स्कूटर। ओहो गाड़ी भी खरीदेगा, स्कूटर भी खरीदेगा फिर? अच्छा अब अहमद के पास गाड़ी भी आ गई है, अहमद के पास स्कूटर भी आ गई है, अब और क्या खरीदें? मोटर बाइक। ओके तीन चीजें अहमद के पास आ चुकी हैं, अहमद के घर पे रखी हुई हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी और क्या तीसरी क्या कहा था? नहीं मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटर। आप क्या खरीदोगे और? अब क्या खरीदोगे और कुछ बचा? चॉकलेट वॉकलेट नहीं पसंद, टॉफियां नहीं पसंद? चलो भाई क्या हुआ, क्या देख रहे हो? सही है, बुलाऊं और बच्चों को? ठीक है जी, मैं इस वक्त यहाँ अहमद से तो हम बातें करते रहेंगे, और आपको पता है इसको कोई ना कोई आमद कभी ना कभी हो ही जाती है, एकदम आमद होती है और एकदम कोई ना कोई बात कर देता है, तो उसकी मुंतजर मैं भी रहूंगी और आप लोग भी रहिएगा। अभी इस वक्त मैं बुला रही हूँ कि ऐसे गेस्ट को, इनको बच्चों से बहुत अच्छी तरह बातें करनी आती है, भाई इन्होंने कोई डिग्री ली हुई है उसमें, उसकी वजह यह कि इन्होंने बच्चों के साथ इतने सारे प्रोग्राम किए, छोटे छोटे बच्चे इतनी सारी बातें ही उनसे उगलवा लिया करते थे, तो आज वो और मैं मिलकर अहमद से बहुत सारे बातें करने वाले हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है हर कोई अहमद से इतनी बातें नहीं कर सकता, इससे बातें करने का एक फन है, तो आज हम थोड़ा सा अपना फन जो है वो टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इससे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि इसकी एक एक बात जो है वो कोई इतना कोई मजा छोड़ देती है ना पूरी महफिल में, तो इसलिए आइए मैं वेलकम करने वाली हूँ जो खुद भी मन के सच्चे हैं और बच्चों को बहुत बाखूबी अच्छी तरह उन बच्चों की आदत से वाकिफ है, नदीम जाफरी अपने बच्चों के साथ, बेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ये तो मेरी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई, तो बोली हो गई माशाल्लाह। कैसी हो पप्पी बना मुझे? आप जब पैदा हुई थी, आई नहीं बेटे, आप जब पैदा हुई थी ना, मिलना है अहमद से, अहमद से मिलोगी? आ जाओ मिलो, अपना नाम बताओ अहमद को, बताओ कौन तो आपका नाम क्या है? जहरा। जहरा नाम है, आओ यहाँ जहरा, इधर बैठो। हाँ अहमद, इनका नाम है नदीम जाफरी। हेलो अहमद, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आप इनको पहचानते हैं? पहले ये बच्चों का शो करते हैं, ये गाने गाते हैं, ये टीवी में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी म्यूजिक बनाते हैं, ये बहुत सारा काम करते हैं, ये पता है?
आप उनसे कुछ, आप होस्ट बन जाओ, आप इनसे कोई सवाल करो। अगर फर्ज करो मैं छुट्टी पे चली जाऊं तो अहमद मेरा शो कर लेगा, होस्टिंग कर लोगे? आप उनसे कोई सवाल करना चाहोगे, कोई सवाल पूछना चाहोगे? आप पूछ लो उनके बाल क्यों लंबे इतने, पूछना है? नहीं 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 पूछना, कितना अच्छा बच्चा है ना, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी बातें करता है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखते देखते कितना टाइम गुजर जाता है यार। ये तो पैदा हुई थी तो हमने उसकी खुशियाँ मनाई थी। I'm so thankful to all of this team के जब जहरा बिनते नदीम हमारी जिंदगी में आई हैं तो मेरी बहन निदा ने एक शो पे यहाँ पर छठी का एक रस्म होती है वो की थी, एंड दिस इज अबाउट 3.5 years ago। हम पैकेज दिखाए लोगों को याद आ रहा है? नॉट, हां जी, हम पैकेज दिखाते जब ये इस दुनिया में आए और हमने खुशियां मनाई। आइए चलते देखते हैं। ये छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आप मेरी गोद में देख रहे हैं, ये बलाज नहीं है, बलाज बड़ा हो गया, आपने देखा भी पिछले हफ्ते। तो आइए वेलकम करते हैं नदीम जाफरी। जो आपने हुलिया रखा है और जब आप इस बच्ची से खेलेंगे तो ये खुद डरेगी। नहीं नहीं, इसको आदत हो जाएगी। मॉडर्न जमाना है, आजकल बच्चों को पैसों से नहीं बल्कि उनको मोबाइल की मोह दिखाई देनी चाहिए। हमारे माशाल्लाह तुम्हारे घर में रहमत आई है जहरा की शक्ल में, कैसा लगा? मैं मतलब नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि एक बेटी की माँ बनने की क्या क्या वो बस क्या फीलिंग होती है। और यहाँ हमारे पास शगुफ्ता आंटी है, वो आके जहरा की नजर भी उतारी। चलें जी, आपकी बेटी आप अपने पास रखेंगे क्योंकि हम रस्म करेंगे। देखा जहरा, हाँ ये कौन था? कितनी छोटी सी थी आप। हाँ, अहमद का भी एक छोटा भाई है, उमर नाम है ना उसका। एक अहमद का बड़ा भाई है अबू बकर, फिर अहमद है बीच में और एक छोटा भाई है उमर। उमर इसकी बहुत पिटाई करता, कहता गिन गिन के बदले लेता है मुझसे, मुझे अपने बहुत दुखड़े सुनाता है। ऑन स्क्रीन तो इतनी बात नहीं करा, ऑफ स्क्रीन इतनी बात भी करता, कहता है। मैंने कहा वो मारता, कहता हाँ मुझसे गिन गिन के बदले लेता है। इसने ऐसा क्या किया होता है कि वो बदले गिनता है? ये बातें बड़ों वाली करता है, ये जब आपके सामने मारता है, सिर्फ मारता है, सिर्फ मारता है। तो तुमने उसके साथ क्या किया जब वो सिर्फ मारता है? तुम कुछ कुछ तो किया है, आप छेड़ते होगे उसे कुछ? ऐसा नहीं होता, तुमने कुछ किया है तभी वो गिनता है बदले। नहीं नहीं ना 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 ना, इधर सच्चा बताना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, आपस की बात है ये, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही किसी को पता लगेगी। तुमने उसके साथ क्या किया था पहली बार जो उससे तुम्हें गिन के मारा? इसने उसको जोर के कस के पप्पी की थी, बहुत जोर के। तुम उसकी चीजें खराब करते हो, खिलौने छीनते हो उसके। खुद चीनता है, तो उसको बुलाना चाहिए था ना। वो छोटा है, गोदी का, वो गोदी वाला इससे चीजें छीनता है। अच्छा आप बताइए, आपके जो भाई हैं वो आपको तंग करते नहीं? क्योंकि सारे भाई बहनों को बड़ा तंग करते हैं यार जहरा। हाय हाय, दिल के दुखड़े। माइक लगा है इसको कि नहीं? जहरा को माइक, जहरा को माइक दे दो एक मिनट। हाँ ना, मैं जहरा से भी तो बातें करूँ ना भाई। जहरा के बड़े दुखड़े हैं ना? है यार, देखो मुझे पता है ना, मेरी भी एक बेटी है और दोनों भाई उसको बहुत तंग करते हैं। और यहाँ भी यही है ना? हाँ ना, ये अकेली इकलौती है। जहरा तंग करते हैं? आपके भाई तंग करते हैं? क्या करते हैं? बाल खींच के भाग जाते होंगे? हाँ, और क्या करते हैं? चीखते होंगे कान में आके? हाँ। है ना? कौन ज्यादा भाई तंग करता है तुम्हें? अली तंग करता है। अली बड़ा वाला? नहीं, हाँ। अली छोटा, छोटा वाला, वो शरारती भी है ना। हाँ, अली शरारती। हाँ। कोई वाकया याद दिलाओ ना। एक पिटाई विटाई लगाती हो क्या उनकी की नहीं? समझाती हो क्यों नहीं करें ऐसे? नहीं। हाँ? से अच्छा देखो, अगर इसके भाई इसकी पिटाई करें अहमद, आप इनको बताओ इनको क्या करना चाहिए भाइयों के साथ? फिर अगर इनकी पिटाई करे कोई तो क्या दोस्ती? ओहो, ये कह रहा है दोस्ती करनी चाहिए। I love the way of its expression. ये मना कर रहा है, मुझे नहीं करना, नहीं कर रहा। और दोस्ती भी, I mean, actually, अंदर से इसकी जो शख्सियत है मुझे लगता है बहुत पोलाइट और बड़ा अच्छी मच्योर ग्रूम शख्सियत है। इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। अभी देखिए कितने दिनों पहले ही मेरे घर आया था। मैंने पूछा मेरे बेटे का नाम क्या है तो कह रहा है बलाज। वाओ, जस्ट इमेजिन।
कि मतलब याद ही नहीं रहता, बड़ों को याद नहीं रहता, बच्चे उसको याद है माशा। कैसे याद है बालाज का नाम, कैसे याद है? मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया बेटा, कोई ऐसी गंदा नाम नहीं है, बता सकते हो? कोई गंदी बात नहीं है, सबको बता सकते हो, किसी को बता दो जाके। हाँ, आप सबको बता सकते हो, कोई मसला नहीं, बता देना। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ लोगों को। पीर डॉक्टर अहमद शाह। पीर डॉक्टर अहमद शाह, क्या बात, पीर खुद लगाया पीर डॉक्टर अहमद शाह। ये पीर किसने कहा आपको, पीर क्यों कहा? हम भर के हैं। अच्छा, हम बर के हैं, बर ने क्या, बरकी इनकी जो दाद। अच्छा, है अच्छा, ओके, ओके, जैसे इमेजिन एक छोटा 3.5 साल का बच्चा बोल रहा है हम बरकी हैं। अहमद शादी होगी तुम्हारी? नहीं हुई। कब कर रहे हो? चाह चुकी है वो, चाह चुकी हुई है। नहीं, तुम्हारी नहीं हुई तो कब करोगे, कभी करोगे, नहीं करोगे? कितना समझदार बच्चा है। अभी आप क्या जरा तस्वीरें दिखाना, पूछते हैं अब जरा तस्वीरें दिखा सकते हैं अहमद से, पूछते हैं अभी क्या अलग अलग रूप धार धार के आ रहे हैं ना, और सोना बांट रहे हैं, इतने लोगों को खुश कर रहे हैं। आप भी कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ बन के गई हो स्कूल में कभी? स्कूल में क्या बनाया है मम्मा ने आपको? अच्छे अच्छे से कपड़े पहनाती हैं। कहाँ लगाई है, मुझे तो स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही बादशाह सलामत की तस्वीर। ये कौन है, ये किसकी तस्वीर है, ये कौन है, ये क्या बने हुए हो आप? ये क्या बने हुए हो? दुल्हन। दुल्हन बना हुआ। अच्छा, दूल्हा कैसा बनेगा आदमी? कह रहा दुल्हन बना हुआ। अच्छा जी, चेंज करें जरा, दूसरी तस्वीर दिखाएं। ये क्या बने हुए हो? ये क्या चिंगम। कौन? इंस्पेक्टर चिंगम। क्या? इंस्पेक्टर चिंगम। चोर को उसने किंग बना दिया, ये पायरेट बना हुआ है। आप किंग होता कौन है वैसे, किंग क्या करता है, इसका काम क्या होता है, किंग का काम में उसका नहीं होता। वो काम नहीं करता, बैठा रहता हुकुम जा, हुकुम जा। सिर्फ शो करता है, बस घर जाता है। सिर्फ शो करता ये चोर करता है? नहीं नहीं, सिर्फ शो करता है, घर जाता है। ये एक्चुअली ये वसीम बदामी का भी यही काम है कि वो शो करते हैं और घर जाते हैं। फहद मुस्तफा का भी यही काम है, इकरार का भी यही काम है, नदा यासर का भी यही काम है, और नदीम जाफरी का भी यही काम है, हम शो करते हैं और हम घर जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह मस्ती मजाक बच्चों के साथ, तो दिल चाहता है बच्चे ही बन जाए। आपका शो भी एक ऐसा शो बन चुका है जो बच्चों को स्टार बनाता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, ऑसम, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद यार एक मिनट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बड़ा अब अच्छे से होस्टिंग करने लगे हैं, अब तो आप कह सकते हैं ना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, चलो बोलो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद। ये पीछे देखो पीछे, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त अहमद है, नदीम जाफरी है, जहरा है हमारे साथ, और अभी शामिल हो तो दुखी क्यों, अबू बकर खुश हो, अबू बकर अहमद के बड़े भाई हैं। सुनो ये कैसा भाई है, अच्छा भाई है कि जरा पटाखा है, पिटाइयां लगाता है? अच्छा भाई है, ख्याल करता है, प्यार करता है। वैसे मैंने देखा अबू बकर आपसे बड़ा प्यार करता है, बड़ा आपका ख्याल करता है ना। एक सवाल है ना, हाँ, ये पीछे कौन है जिसको ये देखने वो पीछे है, कौन था पीछे? मुर्गा था। अंडे वैसे देता कौन है, अंडे कौन देता है? हाँ, ये तो कहता है मुर्गा देता है। तुम क्या कहती हो? मुर्गी। ये कह रही मुर्गी देती है, और ये कह रहा है कि मुर्गा अंडे देता है। वसीम ने से पूछा, मैं ट्रांसमिशन देख रही थी, कहता है अंडे कौन देता है, कहता है मुर्गा।
और ये डटा रहा, कहते हैं मुर्गा ही देता है। ये वसीम को देख के बोला इसने। हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे, अबू बकर देखा आपने इतने सारे बच्चे, अभी हम सब मिलकर गेम्स करने वाले। आज पहली बार देखूंगी अहमद कितना समझदार है, कैसे गेम्स खेलता है, क्या जीतता भी है कि नहीं जीतोगे गेम्स में? आपकी और अबू बकर की टीम बनाऊंगी मैं, ठीक है? तो जी हम बुला रहे हैं नवेद रजा को अपनी बेटी के साथ और किरण को भी अपनी बेटी के साथ। किरण हमारी न्यूज एंकर, आइए वेलकम करते हैं। तालियां बजाओ, मेहमान आ रहे। हाय हाय क्यूटी, आओ नवेद, तुम्हारे आपने अनाउंसमेंट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? माय चीफ गेस्ट, कैसी हैं आप? देखो देखो भी आपकी एक और फ्रेंड आ गई। हेलो, इससे भी मिलो। अहमद आप नाम बताओ एक दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तो बड़ी हो गई, मैं तो बच्चों के बचपन से उनको देख रही हूँ। यहाँ शोर किया था। आप मिलेंगे अहमद से? हाथ मिलाएंगे आगे। क्यों? ये फिर कहेगा पीछे देखो इसलिए। हाथ मिला लो। ये अहमद बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आगे बैठे ना प्लीज। हाँ भाई अहमद, इतने अच्छे अच्छे आपके फ्रेंड्स आ गए हैं सारे। नहीं अबू बकर, इसको दोस्तियां करने का शौक है लोगों से कि नहीं? यही चाहता है मैं अकेला रहूं बस। हाँ अच्छा मुझे बताओ, ये अम्मी आपको ज्यादा प्यार करती है, अबू बकर को ज्यादा प्यार करती है या उमर को ज्यादा प्यार करती है? तीसरे वाले उमर को प्यार करती है। उमर को आपको प्यार नहीं करती जवाब? आपको प्यार नहीं करती ज्यादा? मुझे चाचू करता है। इसको चाचू प्यार करता है। अच्छा वीडियो में भी इज टॉकिंग अबाउट चाचू। हां वो है रिलेशनशिप चाचू, वो इनका बचपन से है। और अब्बू किससे प्यार करते हैं? अबू बकर से, अहमद से या फिर उमर से? अम्मी उमर से प्यार करती हैं, अब्बू अबू बकर से प्यार करते हैं, अहमद अहमद आपसे कौन प्यार करता है? अच्छा भाई आप बताओ आपसे कौन प्यार करता है? अब्बू डैडी ज्यादा प्यार करते हैं या मामा? बाबा या मामा? बाबा। इसका नाम क्या है? मनाल। मनाल, मनाल। और आप बताइए आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है? आयशा आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है? मेरे वैसे चाचू प्यार करते हैं। इसके भी चाचू प्यार करते हैं। चलो भाई एक और चाचू वाली आ गई। मामा मामा डैडी प्यार नहीं करते ज्यादा, चाचू प्यार करते हैं। अभी इनकी परसों बर्थडे हुई है ना, वैसे चाचू ने इनकी फेवरेट स्लाइड लाके दी है। ओहो जब से बहुत ज्यादा चाचू ताजा ताजा एहसान है। तो यार कौन ज्यादा प्यार करता है? क्या कहती है मामा डैडी? मामा बाबा। मामा बाबा कौन प्यार करता है? बाबा। सबसे अगर मैं लेती हूँ, क्या लेती हूँ? अपने फ्लावर, अपनी कॉफी लेती हूँ। फ्लावर अपनी कॉफी लेती हूँ मैं, कैरी फ्लावर अपनी कॉफी लेती हूँ मैं भाई। अच्छा और मजे चाहे तो ला के बोला, कुछ अम्मा अब्बा को समझ आ रही होती, दूसरों को नहीं समझ। हाँ मेरे तो टॉयस हैं वैसे भी। अच्छा और तुम्हारे टॉय गिर गया नहीं छोटा? अच्छा मैं ये नोट करती हूँ, कुछ बच्चे माशाल्लाह बातूनी नहीं होते हैं, जिनके अम्मा अब्बा में से कोई बक्कू होते हैं। बातूनी नहीं, बातूनी तो होते जो बातें करें बच्चों से। बक्कू आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने कुछ भी कर रहे हैं, पीछे से कमेंट्री चल रही होती है, ये हुआ था ये हुआ था, वो आ गए थे आ गए थे, इस कार्टून ने किया, उसने वो किया, इसने ऐसे किया। अब एक मिनट के लिए कहते हैं हाँ बेटा हाँ, क्यों नहीं? यस यस। मैं वो पूरी बात ना कसम से सुनता हूँ, पूरी आप उसमें से देख रहे हो बिल्कुल, और उनको उसके लेवल पे जाके जवाब देता हूँ, उसके बाद एक नई बात निकल के आती है। अच्छा बात करने का तरीका था वो ना, बीच में बम बम बहुत होता है। अरे बीच में ना बात हैंग भी हो जाती है, हैंग हो जाते हैं ना। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि मेरे सामने जो लोग बैठते होंगे गेस्ट मेरे, वो कितनी तकलीफ में आते होंगे, क्योंकि जब आयशा का होता है ना हर बात में, आयशा ऐसा नहीं करे, क्यों किस लिए हर बात पे क्वेश्चन होता है, गई है भाई अम्मा के ऊपर गई है सवाल जवाब के, पता चलता है कि मेरे गेस्ट कितने परेशान होते होंगे, मैं भी क्यों किस लिए किस क्यों भाई क्या बातें करो हमसे भी करो ना। वो बोल रहा है कि तुम्हें माइक लगा हुआ है, उसने कहा माइक लगा हुआ है, दोनों ने माइक पे चेक किया है,
दोनों ने भाई दीज आर टीवी बॉयज नाउ इमेजिन वो माइक चेक के पूछ रहे हैं ये उनसे पूछ रहे हैं अबू बकर से कि तुम्हें माइक लगा है दोनों ने जरा माइक चेक किया है साउंड चेक हुआ है रोज कराते हो अच्छा अली और अलियान जो है ना वो तो लड़के हैं दोनों मेरे तो बेटे तो वो आके अपनी बात बोल 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 के चले जाते हैं हाँ। भाई बाबा ने सुनी नहीं सुनी ये जो है ना हाँ। ये एहसास दिलाती है कैसे अब एक बात कोई बोल के ना अगर मैं नहीं सुन रहा हाँ। किसी काम में लगा हुआ तो ये चुप हो जाएगी जैसे ये चुप होती है तो मैं देखता हूँ उसको जैसे ही मैं देखता हूँ बात करनी शुरू हो जाती है मतलब उसको अटेंशन लेने आती है बच्चे जो आपसे एक जो एक लाइन लगाते हैं ना आप घर में आए हैं जैसे आप मेरे साथ खेलेंगे आप मेरे साथ खेलेंगे हाँ। आप मेरे साथ खेलेंगे जी जी बेटा खेलेंगे हाँ। अब जितना आप काम के जा रहे हो उसमें वही बात होती है आप मेरे साथ खेलेंगे हाँ। आप कहते हैं यार पहले खेल लेते हैं हाँ। फिर दूसरी बात करते हाँ। हैं क्योंकि फिर वो उनका ये होता है कि यार ये जरा हो जाएगा हम भी जब बचपन में छोटे थे हाँ। तो ये होता था ना जिस चीज पे रिजिड हो गए वो बस चाहिए वो करनी है वो करनी है तो वो आई थिंक इनका और आजकल फादर्स आर मोर अटैच टू देयर किड्स एंड डॉटर्स तो उनके साथ उनको ज्यादा मजा आने लगता है कि वो करते हैं और हमारे दौर में तो शायद मुझे लगता है हम जब छोटे थे तो उस वक्त अम्मी अब्बा कोई भी जिद कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते थे लेकिन आजकल के बच्चे तो डाइवर्ट नहीं कर होते एक घंटे बाद भी उनको वो जो मांग रहे होते हैं जो डिमांड कर रहे होते हैं वो याद होती है अच्छा आजकल बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मोबाइल पे कार्टून ये सब देखते हैं आपके बच्चे भी इम्यून है इससे ये देखिए मैंने तो एक मजे का सिलसिला रखा हुआ है आयशा को आयशा का मोबाइल फोन दिया हुआ है और आयशा उसी मोबाइल से सबकी सेल्फी भी लेती है और सब कुछ कर रही होती है ये आयशा का फोन है इसके अलावा आयशा के पास कोई मोबाइल फोन अच्छा आइडिया ये बहुत मजे की चीज है ये कुछ भी होती है ये देखती है कितने साल की आयशा आयशा 3 साल की हुई है अरे वाह अरे वाह घड़ी भी आयशा के पास यार मेरी वॉच है हाँ? आपकी वॉच है लड़कियों का लड़कियों के सीजन होते हैं ना फ्रोजन शुरू हुआ फिर बाबी हाँ। फिर मोआना अब आजकल हम पोनी सब याद है सब याद है अब्बा को पूरे कार्टून याद है बच्चे वो कार्टून घर में कार्टून गाड़ी में कार्टून फोन में तो मतलब गाड़ी में आप गाने नहीं सुन सकते गाड़ी में कुछ नहीं कर सकते गाड़ी में वही कार्टून की स्विच अबू बकर ये कोई कार्टून देखता है कौन सा मोटू पतलू देखती है ना बनाल भी देखती है मोटू पतलू हाँ मोटू पतलू में क्या होता है इंस्पेक्टर च्युइंगम इंस्पेक्टर च्युइंगम एक्चुअली वो उसका कैरेक्टर है अच्छा अच्छा और क्या होता है उसमें बॉक्सर बॉक्सर हाँ अच्छा लगता है आपको वो मजा आया है बहुत और क्या देखता है ये शौक से कोई ड्रामे व्रामे भी देखता है नहीं मोटू पतलू बस मोटू पतलू देखता रहता है हर वक्त जान देखते हो बस उसके अलावा उसमें तो जॉन भी है उसमें जॉन है भाई जॉन उसके अंदर जॉन क्या करता है चोरी करता है अच्छा चोरी करता है चोरी करना क्या अच्छी बात है बुरी बात है बुरी बात हाँ कभी आपने अम्मी के पैसे अब्बू के चुराए पैसे नहीं कभी भी नहीं चुराया ना बहुत अच्छी बात है आंखों से लग रहा है कुछ झूठ बोल रहा है कभी चॉकलेट चुरा के खाई है अम्मी अब्बू के उठा लिया है नहीं ऐसे नहीं करता नहीं है अच्छा अम्मी को खुद देता है ये अम्मी को खुद देता है अच्छा ये अम्मी इससे किस बात पे नाराज होती है क्या शरारत करता है अम्मी इससे किस बात पे नाराज होती है नाराज नहीं ये हर वक्त मोबाइल देखता है सब रीडिंग नहीं करता रीडिंग नहीं करता हर वक्त मोबाइल देखता है इस बात पे मेरी अम्मी अब्बू नाराज होते हैं पढ़ने पे नाराज होते हैं ना ना रीडिंग नहीं करता ना रीडिंग करेगा तो फिर बड़ा डॉक्टर बनेगा ना तभी तो ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनोगे डॉक्टर इंस्पेक्टर बनेगा डॉक्टर बनेगा और सुपरस्टार तीन चीजें मैंने एक जवाब सुना था जब इसने प्रेसिडेंट बनने के लिए मना कर दिया था ये पहला बच्चा है जिसने प्रेसिडेंट बन यार ये कितना समझदार बच्चा है ये अपना इमेज साफ रखना चाहता है सही है क्यों उसको बेचारे को मुश्किल में नहीं मैं इतना हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि ये वाहिद बच्चा है जिसकी करंट गवर्नमेंट नजर है प्रॉपर चलो गेम्स खेलेंगे आप सब लोग गेम्स खेलना चाहते हैं आयशा अपने गेम्स खेल लें गेम्स खेल लें करें गेम्स लाओ भाई बाउंटी वाला गेम लाओ सबसे पहले बाउंटी वाला गेम अब जब यहाँ गेम आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि उसे खेलना कैसे ठीक है आपने खेला है कभी गेम म्यूजिकल चेयर्स खेला है अच्छा भाई अगर मुझे छोटी वाली चेयर्स भी चाहिए होंगी फिर मैं इनके साथ म्यूजिकल चेयर्स भी खिलवाऊंगी वो भी खेलेंगे इतने क्यूट लगेंगे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर जाते हुए है ना अगर कभी किसी बर्थडे पार्टी में ये हार जाती है तो इनका क्या रद्द अमल होता है जहरा काफी देर गाड़ी में सुनना पड़ता है कल मेरा बर्थडे था आपका बर्थडे था कल सच क्या है अबू बकर नहीं जैसे इनका मलाल का ये होता है कि घर में खानदान में रोड पे
टीवी में कहीं पे भी केक आ जाएगा तो वो उसकी बर्थडे हो जाएगी। तो कोई भी केक काट रहा होगा तो सबसे पहले खड़ी हो जाएगी, मैं पहले काटूंगी। किसी की भी एनिवर्सरी हो बर्थडे पहले केक काटेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं यार, चलो पहला केक कटवा दो। मैं आप बताती हूँ कि हम क्या करेंगे इसके ऊपर। भाई वाह, कुछ खाने पीने का आ गया रोजे में। हाँ, लेकिन आप लोगों को जो है और तरसवाओ तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्र का इम्तिहान। ये देखिए, अब हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बच्चे हैं ना, तो हम चार टीम बनाते हैं। आप लोग अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, मैं अबू बकर और उनकी हेल्प करूंगी। ओके ठीक है, अब ये प्याले यहाँ रखे हुए। अब हमें करना क्या है, आज सब देख लो हमें क्या करना है। अब हमें इसमें से बंटी ढूंढ के ये चम्मच रखना है हमने अपने मुंह में। बंटी हम ढूंढेंगे ऐसे, यहाँ रखेंगे, नीचे जाएंगे और बंटी यहाँ जमा करेंगे। कितना आसान है, कर सकते हो। अहमद तुम करके दिखाओ जरा, अहमद इधर आओ। चलो अहमद आपको करके दिखाएगा, उसके बाद आप लोग ऐसे करेंगे। अहमद अपने मुंह में चम्मच रखो, बंटी उठाओ इसमें डालो, बंटी उठाओ इसमें से। हाँ, अब वहां जाओ। चलो अनि अहमद आप करोगे, अबू बकर आपकी बंटी उठा उठा के रखेगा। चलो आप सारे बच्चे आ जाओ एक साथ, एक साथ आ जाओ सब बच्चे। मैं सबके लिए जगह बना देती हूँ। और ये देखिए, ये एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ गेम्स का, ये गेम आप घर में रख सकते हैं। इसमें हमने सीरियल डाला हुआ है कोई, और हमने इसमें बंटीज डाल दी है, दोनों खाने की चीजें, और बच्चों को दे दिए चमचे प्लास्टिक के। ये हटवा देते, ये चले भी जब जो पेरेंट्स है बच्चों के साथ वो उनकी मदद करें, जिनके पेरेंट्स नहीं है आप इधर आओ। ये वाले आपका है, और इसके साथ आ जाए। और ये ऐसे चलो रेडी करें जल्दी से। हाँ चलो भाई, यहाँ से बंटी अगर आप इसकी हेल्प करोगे, आयशा यहाँ से बंटी पे रखेगा, आपकी हेल्प करेगा, बंटी हेल्प करेगा, फूल लेकर आएगा, चमचे रखेंगे और हाथ रखेंगे, फूल लेकर आएगा। रेडी गेट सेट गो, फूल लेकर आएगा। चलो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई सब बच्चे। अहमद आपका प्याला ये रहा। वेरी गुड, हमारे बच्चों को बहुत मजा आया। गिरा दिया, वो गलत इसमें डाल दो। इसकी कौन सी है, ये इसी का है? इसकी का चलो लगी में, बाकी बच्चे लगी में अपने। आयशा का ये रख देती भाई। अहमद आप तो बड़े स्पीड में खेल रहे हो इंस्पेक्टर साहब। बेटा दूसरों में भी डालो, सब में जमा करना। इधर बड़ा समझ, इधर भी। चलो भाई सब गेम खेल रहे हैं, और देखते हैं कौन जीत रहा है। और अभी हम गेम ऑफ करने वाले हैं। 5, 4, 3 और क्या हो गया, गिर गई। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अहमद आप जीत गए हैं। ये बंटी फिर मैं खा लेता हूँ। मेरे बच्चों का गिफ्ट तो दो भाई। मैं सेलिब्रिटीज को बहला लेती हूँ, बच्चों को मैं नहीं बहला सकती। इनको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। अहमद ये मैं खा रहा हूँ तुम्हारी बंटी। खा ले, खा लो, कह रहा खा लो। एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ। एक नहीं,
और वो तो चमचा ही नहीं बेचारी रख पा रही थी. आ गया गिफ्ट. अच्छा हाँ जी, जो मेडल मिला है ना, ये देखिए, ये मेडल बड़ा खास है. ये बड़ा खास मेडल है. अरे वाह, ये मैं आपको मेडल पहनाने वाली हूँ. तो हमारे इस सेगमेंट के इतना बड़ा बना दिया कि बच्चे के पेट तक आए. बच्चा खड़ा हुआ तो ये जमीन में होगा मेडल. हाँ ओके, ये है जी अहमद आपके लिए. ये आपका आप विनर है. सही है. अच्छा कौन सी टेबल, टेबल से हटा दें. अभी आप टेबल जाएंगे तो आपका आएगा. अच्छा भाई, अब आप सब मुझे बताएंगे आप क्या बड़े होके बनेंगे. दानिया अमनाल क्या बनेंगे आप बड़े होके. मेरी बारी आने वाली. मोआना बनेंगी. मोआना बनेंगी. अच्छा आप क्या बनेंगी बड़े होके. डॉक्टर. जहरा तो डॉक्टर बन रही है. जहरा आप ये पहन लें, आपको आपका शौक पूरा हो सकता है डॉक्टर बनने का. किस चीज की डॉक्टर बनोगी तुम जहरा. दिल की डॉक्टर. ये भी तो दो डॉक्टर. तो हमारे पास आप भी डॉक्टर हैं. ये हो गए. मम्मा को डॉक्टर लगाते हैं इंजेक्शन. अच्छा तो आयशा पापा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बन. मम्मा को इंजेक्शन. बेटा मत दिखाओ. अच्छा अच्छा, मैंने ये नोट किया था जब मोइन अख्तर साहब मरहूम जो है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब वो बच्चों से बात करते थे वो हमेशा कहते थे अम्मी अब्बू में लड़ाई होती है. हमेशा पूछते थे. मेरी छोटी बहन से पूछा उन्होंने, अम्मी अब्बू में लड़ाई होती है. और उसे सारे पोल खोल दिए. मैं यही अक्सर वंडर करता हूँ कि स्कूल में आके बोलते क्या. एक दफा मैं स्कूल में से लेने गया तो उन्होंने कहा शाम को आप लोग अमेरिका जा रहे हैं. आप लोगों ने तो बताया भी नहीं. मैंने कहा क्या मतलब अमेरिका जा रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे. इसने तो सुबह आके बच्चों को और हम सबको बता दिया हम शाम में अमेरिका जा रहे हैं. बेटा अल्लाह आपकी जबान मुबारक. अच्छा आपकी होती लड़ाई अम्मी अब्बू में. नहीं नहीं इनके में नहीं होती. हाँ आप जरा मम्मा डैडी में फाइटिंग होती है बताइए. मम्मा डैडी में नहीं. यहाँ पे भी नहीं. पूछे क्या पूछ. आपकी मम्मा डैडी में फाइटिंग होती है. अरे भाई बहुत साफ गुड न्यूज. एंकर की बच्ची तो साफ गोई होगी. और दानिया मम्मा डैडी की फाइटिंग होती है. नहीं चीखने लगा किसी बात पे तो मेरे बेटे ने छोटे ने उसको चुप कराया. मुझे सोने दे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ. बहुत लाउडली बात नहीं करे, उसकी हंसी निकल गई. हमारी तो लड़ाइयां ऐसे खत्म हो जाती है. हम बड़े मजे का वाक्य शेयर करूं. अली जब छोटा था, अली जो बीच का जो वो ही वॉज 1.7 हार्डली डेढ़ पौने दो साल का था. अच्छा हम किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मैं और दानिया. हम दोनों लेटे हुए टीवी देख रहे थे. बीच में अली लेटा हुआ था और अली डेढ़ साल का था तो हमने उसको इग्नोर किया हुआ था. टीवी देख रहे थे आराम से. अच्छा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बढ़ा तो बढ़ता क्या. मैंने दानिया को कहा, मैंने कहा दानिया यार ये बच्चा लेटा हुआ है. तो एकदम हम एकदम से हम दोनों ने बच्चे को देखा तो बच्चा मतलब कैसे लेटा हुआ था. उसे दोनों उंगलियां कानों में दी हुई थी. डेढ़ साल के बच्चे ने. डेढ़ साल के बच्चे ने. और वो टीवी देख रहा था. उसने कहा दफा हो लड़ते रहो. टीवी देख रहा हूँ. और मैं और दानिया दोनों यूं रह गए कि यार क्या रिएक्शन है ये. इसकी एटीट्यूड अभी से ये है कि लड़ रहे हो शाबाश लड़ो. मुझे मेरा बेटा ऐसा है इतना चलाक. मैं कुछ कह के चली गई बाथरूम में तो बलाज ने यासर से कहा डोंट फाइट विद माय मदर. तो यासर ने बोला नहीं योर मदर इज फाइटिंग विद मी. तो जब मैं बाहर निकली कहने लगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं. मैंने कहा क्या. लेकिन नहीं मैं बताऊंगा नहीं. मैंने कहा बताओ. पीछे पड़ गई तो कहना मैं भूल गया. तो यासर कहता है मैंने तुम्हारे लिए बुरा कुछ कहा था कि तुम्हारी अम्मी लड़ती है मुझसे मैं नहीं लड़ता. तो इसलिए उसने उसने बताना उसने बताना समझा कि मैं नहीं बताऊं. अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आयशा के होने के बाद ना हमारी लड़ाइयां खत्म हो गई हैं. क्योंकि वो सम टाइम ऐसा लगता है कि एक दो दफा हम चीखे चिल्लाए किसी भी बात पे तो आयशा ने थोड़ी देर के बाद उसी तरह से किया जो हम कर रहे थे. और फिर बहुत सारी जगहों पर हम अगर लड़ भी रहे होते हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है कि हम हंसना शुरू हो जाते हैं. तो ये मजे की चीज हो गई कि इनकी वजह से हमारे झगड़े खत्म हो गए. आप लड़ते हैं क्या. आप फाइटिंग नहीं करते कभी भी. नहीं आप अमन पसंद शहरी हैं.
अब तो आप ओए ओए नहीं करते ना भाई, ओए ओए आप कितने हमने नकलें उतारी हैं, ओए 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 तो पीछे है? देखो बटरफ्लाई अबू बकर घर में भी कहता था ओए मुझे खाना दो, ओए मुझे पानी पिलाओ। ये कितना कंपोज और डीसेंट बॉय है, ये बहुत डीसेंट है भाई, इसको बहुत तोल मोल के बोलता है। मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे, है ना, इतने बैलेंस एटीट्यूड के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं है, तो केयरिंग भी है। अभी वो उसकी ये बंटी रखी हुई थी तो सब बच्चे खा रहे थे, तो इसने मुझे कहा कि मुझे खानी है, हाँ। तो इसने अपने वाले में से तो इशारा किया कि ये ले लो, हाँ। तो मतलब हाँ। इसके वो एक वो भी एहसास भी है कि भाई देखो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यही मस्तियां जारी रहेंगी। हमारे बहुत प्यारे बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं और हम आपको आइडियाज देते रहेंगे, आपने अपने बच्चों को कंट्रोल में काबू में कैसे रखना है अगर ये समर वेकेशन है। मैं आइडियाज दे रही हूँ भाई, ये गेम घर में कर लो, दालों में बंटियां डाल के दे दो, घर से कोई चीज निकाल निकाल के। अच्छा है, समर वेकेशन में जो एक चीज होती है ना, जो सोने की रूटीन है उधर जाती है, वो बड़ा वो आखिर के 10 दिन में आपको फिर वापस लाना होता है कि आप किस तरह से रात में जाग रहे हैं। और फिर रमजान है, कोशिश ये होती है कि अब ना इसको नहीं पता कि सहरी का क्या चीज है, तो ये सुबह मना के बाद आते करते हैं ना, कमर्शियल का क्या करूं, अब ऐसे भी तो कमा पाती पेट। गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान क्या क्या कह रहे हैं ये यार, ये क्या कह रहे हैं, मुझसे बड़ा यार, मुझसे कैसे बड़ा हो सकता है ये कह रहे हैं आपसे बड़ा है, कह रहे हैं इसका भाई मुझसे बड़ा है, मुझसे बड़ा कैसे बड़ा है, कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझसे बड़ा कैसे, किससे बड़ा, मुझे मुझसे किससे, मुझसे मुझसे भाई तुम कह रहे हो मुझसे, फिर मुझसे उससे अच्छा 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 कह रहे हैं मुझसे बड़ा, नहीं नहीं फिर सुनो, ये हंसता ज्यादा है अबू बकर, ये हंसता ज्यादा है कि रोता ज्यादा है, हंसता ज्यादा है, हंसता ज्यादा है, तुम हंसते ज्यादा हो, तुम हंसते हो रोते हो, हंसता हूँ हंसता, तुम लोग सब हंसते हो, उसका मतलब घर में हंसते रहते हो, रोना किस बात पर आता है अबू बकर, नहीं रोना किस पर, बोलो रोने की बात ही नहीं है, हाँ। क्योंकि वो मुझसे बड़ा है भाई, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो मुझसे बड़ा है, ये पता नहीं है वो लग गया, वो आस्ते-आस्ते गिर गया, वो आस्ते-आस्ते गिर चुका है, चलो ठीक है मान लिया वो मुझसे बड़ा है, फिर इससे मुझसे बड़ा है किससे, ये अपनी कसम के बारे में बात कर रहा था कि किससे, वो इससे बड़ा है मुझसे, मुझसे मुझसे मुझसे, इसको पहले देखो, इसको इसको पहले देखो, मुझसे बड़ा है, चलो अल्लाह टीम के लिए अहमद, उसने कंफर्म किया पहले, इसको पहले देखो और बोला से ऐसे ही है इसके पीछे देखो, अच्छा जी अगला गेम लाए भाई, अगला गेम में हम बच्चों को देते हैं ये एक और आइडिया आपके बच्चों के लिए, घर में टिश्यू पेपर के डब्बे तो होते ही हैं, ठीक है, हाँ टिश्यू पेपर के डब्बे होते थे, अब तो इतने आते हैं मुझे लगता है पैंपर के साथ टिश्यू पेपर के डब्बे आते हैं, मैं क्या छोड़ो, देखिए ये क्या हो रहा है कि हाँ ये हमने क्या किया है, दोनों तरफ टिश्यू पेपर के डब्बों के वेलक्रो लगाया है, ठीक है, अब ये अपने आप अपनी बेटी के गेट बांधेंगे आप, और फिर इन बच्चों ने ना वो जो आपको भी चाहिए यही तुम इसके इसके बांधो पेट के लिए इसके, और अब करना क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है, ये अहमद तुम खड़े हो, मैं बांधो इसको, हाँ चलो, ओए ओके एक मिनट, ये ओए सारी बॉलें अभी गिर गई, अभी नहीं गिरा, अभी हिलना नहीं है, अभी हिलना नहीं है, अभी हिलना नहीं, क्योंकि बॉल ही तो खाली करने का गेम है, बना लिया हमने, ओ वो भी गिर रहा है,
और भी गिरी हैं। हाँ अच्छा, अब ये गेम ये है भाई, थोड़ी सी म्यूजिक लगा सकते हो कि बच्चे हेले रोली पॉली खेलेंगे। ठीक है रोली पॉली। अब आप लोगों को पता है क्या करना है बच्चों, मुझे देखो, आप लोगों को ना यू 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 करके रोली पॉली खेलना है। रोली पॉली रोली क्या कहते हैं, रोली पॉली रोली पॉली रोली पॉली, और आपने सारी बॉले खाली कर दी है। जिसका टिश्यू पेपर का डब्बा सबसे पहले खाली हो गया, तुम भी समझाती रहो ना अपनी लैंग्वेज में उसको। तो वो जीत जाएगा। चलो आप लोग वन टू थ्री हेलो जरा जोर से और जम्प, हाथ से नहीं गिराना है, हाथ से नहीं गिराना है, हिलो हिलो क्या नहीं गिराना। हेलो 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 ताकि उछलो उछलो उछलती रहो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके इस वक्त जो मेडल जीता है नंबर वन कौन आया है? अबू बकर। अबू बकर जहरा ने भी गिरा दी भाई। ये कह रहे हैं इसका क्या करना है, जहरा को भी एक गिफ्ट देंगे ना भाई। वो कह रहे हैं इसका क्या करना है, किसका इसका कह रहा है इसका क्या करना है, किसका किसका मतलब, कह रहे हैं जीत गया तो क्या करना है इसका, इसको दे रही हूं ना मेडल, नंबर वन का मेडल ये है ना। हां ये भी तो एक था क्या, ये भी तो एक था नहीं, आपको आप पिछले वाले में जीते हो ना, अब आपका भाई इस वाले में जीत गया। नहीं नहीं वो हाँ। चेक करा, कह रहा ये भी तो वही था, उसमें भी यही दिया था इसमें भी यही दिया। ये लो, और ये सेकंड सेकंड पोजीशन में कौन आई है, जहरा। ये आप तुम तो पार क्योंकि आप अब दो दफा सेकंड आ चुकी है भाई, आपको तो बनता है अब। खोल दो, ये लो आपको भी चाहिए, अब नेक्स्ट गेम में देंगे। आओ खोल दो, लाओ ये देखें, ये कितने घर में ही आप आराम से बनते, वेलक्रो रोलर किसी भी बेल वाले की दुकान पे मिल जाता है आराम से। ये देखें एक आइडिया मिल गया ना बच्चों के लिए, छोटी छोटी बॉल्स भी होती है सबके पास, वो क्या ना ईशा। अच्छा बच्चों का एक और गेम भी तो होता है, टिश्यू बॉक्स में से हल्के से भी हाथ गीले हो गए तो टिश्यू बॉक्स पूरा खाली, बॉल नहीं होती हम दे देंगे आपको, टिश्यू बॉक्स ऐसे खाली होते हैं। ये समझ नहीं आता बच्चों को टिश्यू पेपर का डब्बा खाली करने की क्या जरूरत होती है, वो मजा आ रहा होता है मुझे लगता है पूरा फैला हुआ होगा, बिल्कुल पूरा फैला। अच्छा कभी अगर आप आयशा को एक कमरे में छोड़ के जाएं तो वापस आई होंगी तो क्या शरारत की होगी इन्होंने, मेकअप पूरा इनका फेवरेट चीज है। अच्छा हाँ, इवन इनकी परसों मैंने बर्थडे पार्टी पे भी मेकअप थीम ही रखी थी, लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि हर चीज बड़े सलीके से आती है, अगर नेल कलर लगाएंगी तो वो कहीं पर भी पूरे घर में दिखेगा नहीं, बहुत साफ सुथरा नेल लगा उन पे लगा हुआ होगा। अच्छा आई शेड के ब्रशेज इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से, आई शेड लगा लेंगी, आईब्रोज कर लेंगी। एक चीज जो बहुत अच्छी है वो ये कि अगर मैं कमरे में बंद करके जाऊं भी, और बहुत दफा ऐसा होता भी है मुझे वॉशरूम जाना है किचन में कोई काम करना है, ये रूम में जो अपनी शरारत होगी करेंगे लेकिन फैलावा नहीं करेंगे, फैलावा नहीं कर, सबसे अच्छी बात। अच्छा अगर ये संभाल के रखो, तो माशाल्लाह जहरा बड़ी हो गई नदीम, लेकिन अगर जब आपकी छोटी थी, और भी मैं और भी खेलूंगी गेम, मजा आ रहा है गेम खेलने में, देखा मेरे शो पे मजा आता है दादा, या वसीम बदामी के शो पे मजा आता है दादा, या फहद के शो पे मजा आता है दादा, कहाँ ज्यादा मजा आता है, तीनों भाई डिप्लोमेट है। हाँ जहरा क्या कर, अगर इनको कमरे में जैसे आपने अकेला छोड़ा हुआ है कि कुछ देर खामोशी है तो क्या पता लगाएंगे दानिया के क्या किया इन्होंने। जहरा मेकअप की इतनी शौकीन है, अच्छा ये भी लड़कियां और इतना अच्छा मेकअप करके आती है कमरे से बाहर कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। अच्छा फिर एक शौक आपस की बात है, वैसे बताने वाली नहीं थी कि ये मुझे भी है कि मैं जहरा को मेकअप करता हूं, आप करते हैं, आई वांट हर टू, मतलब मैं देखना चाहता हूँ ये बड़ी होगी कैसी लगेगी, तो मैं इसको मेकअप करता हूँ, इसके आईब्रोज बनाता हूँ। सॉरी आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अभी, आयशा के बाबा को आयशा मेकअप कर रही होती है, ये बैठ के पूरा मेकअप, वो बेचारा इतना सीधे इंसान में लेटा रहता है, और आप वीडियो, आप वीडियो दिखा देंगी वो, और मैं आज घर जाएंगी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे तो मेरी तो सारी दुनिया में वीडियो देगा। चलो सही है, किरण दिखानी पड़ेगी, अब तुमने कह दिया है। हाँ मैं दिखा दूंगी, कोई इसको छोड़ के जाएंगे कमरे में तो ये क्या शरारतें करेंगी, ये इसका बस ये होता है कि इसका जो इसका रूम है
वो उसने जल्दी जल्दी फैला के पूरा डिस्कवर करना होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है बाबा? हाँ कुछ छुपाया हुआ तो नहीं। और वो सारे टॉय जब फिकर जाते हैं तो फिर उसे सही करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अबू बकर ये क्या करता है अगर जब ये छोटा था, अगर ये कमरे में अकेला बैठा है तो क्या कर रहा होता था? अक्सर बच्चे मिट्टी खा रहे होते हैं, अक्सर कुछ कर रहे होते हैं, शरारते कर रहे होते हैं, ये क्या करता था? आपके खिलौने नहीं है तो कोई इसलिए फैलाता नहीं है, लेकिन घर फैलाता है, कभी किचन में बर्तन फैला देता है। अच्छा अगर खिलौने नहीं है तो किस चीज से खेलता है फिर ये? जब घर में खिलौने नहीं किस चीज से खेलता है ये? फिर हमारे साथ खेलता है। आपस में खेलते हो? कभी अम्मी के बर्तनों से नहीं खेलता किचन विचन में, ऐसा कुछ नहीं करता? हाँ तंग करने वाला बच्चा नहीं है अहमद? तंग नहीं करता अम्मी को ज़्यादा? अहमद आपकी तारीफ कर रहा है अबू बकर, आप अच्छे बच्चे हैं। हाँ अच्छा आपको यहाँ ARY में सबसे अच्छा कौन लगता है? अहमद सबसे अच्छा कौन लगता है? मैं, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। कौन भाई? ये एक्चुअली इशारे करते हैं ये। अच्छा ये इनके इशारे हैं ये, इन्होंने ये तो बिल्कुल ही मख्फी था इशारा। हां ये छुप के किसी को नजर ही नहीं आया, इसने कहा ये छुप के ताकि ना फाद मुस्तफा देखे ना वसीम बता भी देखे क्योंकि शाम को उसके शो पे जाना है। हां ये अल्लाह चोट लग गई भाई। चलो भैया वो लगाओ बैंडेज, लगाओ बैंडेज, चोट लग गई है। डॉक्टर तो आपको या मरहम पट्टी आप खुद करें? नहीं क्या ये क्या कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना। गेम खेलना है दूसरा? नहीं अभी नहीं, खेले अगला गेम खेले या अभी बातें करें? खालो खेले। आप जीतोगे क्या हारोगे? अच्छा अक्सर होता है ना जैसे या मुझे छोटी चेयर चाहिए, म्यूजिकल चेयर खेलना है बच्चों के साथ, छोटी चेयर अरेंज हो गई है। अच्छा इससे पहले कि म्यूजिकल चेयर खेलूं मैं ना आपको इसके बचपन की तस्वीर, मतलब बचपन तो अभी भी चल रहा है, और छोटा था वो तस्वीर मुझे मिली है। अल्लाह कितना प्यारा है ये। आप हो अहमद? ये मैं हूँ। कितने नवीद कितना अच्छा लग रहा है यार, ये आपने पग मानी हुई है, प्यारी तस्वीर है यार बहुत। ये मैं हूँ ना, और ये वाली तो बहुत ही अच्छी है, ये मेरी है। नवीद इतनी अच्छी तस्वीर तेरी बचपन की यार। मैं हूँ ना, देखा मैंने कहा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये नहीं ये मैं हूँ। और वो तो देखो ये भी, ये तो आप हैं, ये तो मेरी तस्वीर है, ये हमारे बचपन की तस्वीर है। नहीं नहीं मेरी तस्वीर है, इससे पहले वाली दो जो थी वो नवीद भाई की थी, और ये वाली मेरी है। ये आप हैं, ये तस्वीरें जो थी ये नवीद के बचपन की थी ना, तो किसकी थी बचपन की? और ये दूसरी वाली तस्वीर जो येलो रंग के कपड़ों में है वो इनकी थी? वो तो मेरी थी, वो तो ये इन्हीं का बचपन लग रहा था, गोलू गोलू है। अच्छा मैं अपने बचपन में था वैसे थोड़ा सा ऐसा। आप थे बटकू बटकू? वैसे आई डोंट नो, इस एज में बच्चे मोटू मोटू अच्छे लगते हैं। हाँ। है ना, हालांकि हम बड़े होकर डाइटिंग्स कर रहे होते हैं, लेकिन ये एज में ये लटके हुए गाल और ये वो हाथ में पड़ते हुए तीन बल गुगले गुगलू से बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, और इस तरह के बच्चों पे बड़ा प्यार आता है जो उसकी पिक्चर थी ना, और बड़े होकर वही बल जो है बलबला जाते हैं, बल पड़ जाते हैं, बल पड़ जाते हैं, ये एक्सरसाइज कर करके पागल हुआ है। चलो भाई म्यूजिकल चेयर्स कौन खेल रहा है? भाई हमें कुर्सी और चाहिए एक, और हमारे पास ज्यादा बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, हमें 6 कुर्सियां चाहिए, 6 दो और लाए। चलिए मैं इसको ढीला करो बेटे, गाना गाना आता तो पोयम आती है? नहीं हमें 5 कुर्सियां चाहिए। हां चलो भाई अहमद पोयम सुनाएगा, आप भी सब सोच के रखो, इन लोगों को आती है, आयशा को आती है, आपको कौन सी पोयम, रहरा को आयशा आपको कौन सी पोयम आती है? चलो भाई पहले अहमद सुनाएगा, भाई अहमद की पोयम सुनो, ले लीजिए। ओके अहमद पोयम सुनाओ जबरदस्त। चलो रेडी गेट सेट गो। अबू लाए दो खरगोश, एक तो चमचल एक खामोश, दोनों रे के गाले थे लंबे कानों वाले थे, एक तो काला एक सफेद, दोनों थे पिंजरे में कैद, काला शोर मचाता था पिंजरे से टकराता थे। और कोई याद है? लवली Thanks for the part of the poem. अच्छा मजे की काला जोर मजादा था thanks. Thanks. अच्छा मजे की बात ये, आप ये देखें कि उतरा है और इसने अपना लेवल बढ़ाया है। हाँ बिल्कुल। होस्टिंग वाला लेवल बढ़ा है। ये है, ये कुछ बनेगा। हाँ। तो पक्की बात। ये पक्की। और कोई और आती है? सुनाओ। आयशा। बच्चों ने वो काम शुरू कर दिया है जो बच्चे करते हैं। आओ झूला झूले, माँ को झूले, झूला नीचे
कि ये पीछे देखो कहाँ से आया है, ये एक्चुअली झूले वाली पोएम से आया, पोएम से आया, पीछे पीछे से आया, इसकी जिंदगी में पीछे पीछे बहुत कुछ है। आप कौन सुनाएगा? आयशा आपको याद है? इधर आओ यहाँ पे, जैसे अहमद खड़ा हुआ था और अहमद ने सुनाई है वैसे। रमजान के रोजे सुनाएंगे? मीनार आपका आती है? रमजान के रोजे क्या आपने याद किया था? सुना इसको भी आती है, जोर से जोर से। रमजान के रोजे सुनो। रमजान के रोजे आए रमजान के रोजे आए हम झूम झूम जाएं, घर वाले फरमाएं अगले साल अगले साल। एक दो तीन चार, हमारे पास पांच ही, छठी नहीं क्या? नहीं चार, हमें तो वैसे चार चाहिए होंगे अगर म्यूजिकल चेयर नहीं। एक दो तीन चार पांच, पांच बच्चे हैं ना तो छह चाहिए होगी ना, तो सभी बैठ जाएंगे तो बहन? नहीं नहीं नहीं, म्यूजिकल चेयर के लिए ना चार चाहिए, चार चाहिए। बहुत दिन हो गए नहीं खेला भाई, आप जुम्बा बहुत कर रही हैं जी। ओके जी, म्यूजिक लगाइए, हमारे बच्चे आओ ना, आते हैं म्यूजिकल चेयर खेलना, आते हैं बैठना, एक स्पेशल बात खेलना। और जब एकदम म्यूजिक रुक जाएगी फिर बैठना है, लाइन बना लो। चलो रेडी गेट सेट गो गो। चलो चलो चलो, वॉक करो, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी जाओ जाओ, तेरा तेरा खेलो, अरे घूमो भागो घूमो घूमो, जल्दी से आ जाओ, जाओ आयशा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जरा यार, ये क्या हो गया? नहीं नहीं आओ इधर आओ इधर, सारे झूठ पकड़े गए यार, ये अच्छा अच्छा। अहमद अहमद आप तो आउट हो गए हो, अब आपको चॉकलेट अपनी देनी पड़ेगी इन लोगों को। मुझे देनी पड़ेगी अब, इसके हिस्से चार करने पड़ेंगे मुझे। नहीं दे दो मुझको, नहीं नहीं त्याज्य। आप ये देखें, इतना मासूम सा बच्चा और पाकिस्तान की पूरी सियासत की अपनी मासूमियत में पोल खोल रहा है। स्टेटमेंट देखे और जब कोई चीज छिन जाए तो फिर रिएक्शन देखे। अच्छा लेकिन आप एक बात नोट करें, इसने अपनी ही चीज पे हाथ डाला, किसी और बच्चे के ऊपर नहीं किया, अपनी चीज को। उसको पता है ना वहाँ से रिएक्शन नहीं है। अभी देंगी, जो जीत जाएगा उसको देंगी ना, उसको दे देंगी। चलो अब नेक्स्ट, जैसे जगह मिले बैठ जाना है जहरा। चलो चलो रेडी गेट सेट दोबारा दोबारा, दोबारा घुस गया भाई जान, आप आउट हो गए थे, आप तो आउट हो गए थे, ये चेयर तो आयशा की है। अब मैं बैठ गया, अब तो अहमद तो आउट हो गया, कैमरा है कहाँ जो अहमद को कवर, आप बीच अहमद आउट हो गया है। अहमद आयशा को बैठने दो ना, अभी तो मैं बैठ गया और क्या। लेकिन आप तो आउट हो गए थे, नहीं तो आयशा की बारी है। जब आपकी बारी खत्म हो गई तो आप नहीं बैठ सकते ना, ये तो रूल है, ये तो पक्का रूल है, पांच साल में तो सभी चले जाते हैं। कुर्सी तो छोड़नी पड़ती है, नहीं कुर्सी नहीं छोड़ोगे, बैठे रहोगे? No, no. ये जाएगा सियासत में, ये पक्का जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, चलो फिर से वापस आ रहे हैं, म्यूजिक म्यूजिक, चलो मूव मूव, चलो कितनी सारी है ऐसा, जैसे म्यूजिक रुक के बैठना है, कुर्सी गरीब भागो, क्यूट कितने लग रहे हैं, भागते रहो, अल्लाह बैठो जल्दी, भागो भागो भागो, जाओ तो पिंक पे बैठ जाओ।
भाई जीतने की टेक्निक जो है ना इसकी वो पाकिस्तानी है हर बार में ये देखे ये देखे ये टेक्निक देखे वो ऑलरेडी बैठ चुकी थी उसको लगा कि और चेयर्स की जरूरत है और चेयर ले आऊं खत्म आप भी अपनी चेयर ले आए चलो एक और दफा करें लास्ट टाइम चलो खड़े हो सब लोग खड़े हो आप देखते हैं सिर्फ दो चेयर्स रहने देते हैं हाँ अब देखते हैं कि कौन जीतता है जल्दी जल्दी भागो माइक गिर गया अच्छा हाथ में पकड़ के भागो माइक हाथ में पकड़ के भागो जल्दी 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 भागो कितने क्यूट लग रहे हैं भागते हुए अभी तो म्यूजिक चल रही है जब रुकेगी तब बैठेंगे नहीं अभी नहीं अभी म्यूजिक चल रही है अभी म्यूजिक चल रही है म्यूजिक चल रही है म्यूजिक चल रही है भागो 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 उससे हम कहा नहीं बेईमानी हो रही है इस गेम अच्छा इधर मैं आपको दूसरी कुर्सी देती हूँ दूसरी ये रही आप वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और अभी वेलकम कोई और भी करने वाला है कौन कर रहा है वेलकम हाँ बोलो वेलकम 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 बैक बोलो वेलकम बैक वेलकम बैक ये हुई ना बात देखिए मैं होस्ट तैयार कर रही हूँ यार भाई आप मेरे बुढ़ापे के बाद आपको एक मॉर्निंग शो होस्ट मिल सकता है आराम से बनना आपने होस्ट मॉर्निंग शो होस्ट करना है अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ मॉर्निंग शो होस्ट करना है जीतो पाकिस्तान होस्ट करना है या वसीम बादामी का शो होस्ट करना है कौन सा तीनों भाई तीनों कि भाई एक से नहीं तीनों से पैसे बनाने और तो ये भी पता टाइमिंग्स फर्क है सुबह भी आ सकता हूँ शाम में हफ्ते में दो दफा भी आ सकता हूँ रात को 11 बजे भी आ सकता हूँ तो ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए है ना अहमद कैसे है आप कुछ याद आया ठीक है मजे में है भूख वूख तो नहीं लग रही है पक्का वो उसको कुछ याद आ रहा है वो उसका देना तुम रोजा नहीं रखते वो याद आ रहा है उसे कह रहे बस कोई इसकी वजह बस रखते हो नहीं ये ट्रक रखता है ट्रक रखते हो ट्रक गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं बात सुनो रोजा रखा करो यार क्यों नहीं रखते रोजा रख के करना क्या होता है वैसे हाँ वैसे रोजे में क्या होता है क्या होता है रोजे में रोजे में किस चीज से रुकना पड़ता है लो दे दो मुझे दे दो क्या चीज नहीं करनी चाहिए रोजे में क्या करनी चाहिए क्या करनी चाहिए क्या चीज नहीं करें हम रोजे में उनका हाँ खाने की चीजें खाना की चीजें वेरी गुड अच्छा और पानी पी सकते हैं कि नहीं पानी भी नहीं पी सकते रोजे अच्छा गंदी बातें तो कर सकते हैं ना है? नहीं बिल्कुल नहीं भाई वेरी अच्छा दोपहर में एक बार खाना खा सकते हैं रोजे एक दाड से तो खा सकते हैं एक दाड से आम खा सकते हैं नहीं नहीं बिल्कुल मना है तो दांत ही नहीं है आपके दांत नहीं है नहीं कितने दिखाओ चेक करो दिखा तो रहे चूहा ले गया इसके आपके मुंह में कितने दांत हैं गिने कभी आपने काउंट किए हैं कितने दांत होंगे आपके मुंह में 10 दांत है भाई इसके मुंह में 10 है आपके मुंह में कितने दांत हैं आपके मुंह में कितने सारे हैं कितने टीथ हैं आपके कितने टीथ हैं आपके 110 नहीं 110 आपके कितने हैं कितने सारे दांत हैं कितने 1 2 ये तो ये कह रहा है ये तो जबान है ये दिखा रही है जबान और ये जबान पर्पल कैसे हो गई है जरा फ्रोजन जैसी जबान कैसे हो गई है दिखाओ दिखाओ आपके कितने दांत हैं आयशा आपके दांत कितने 1 2 3 4 5 7 है तो आपके 10 दांत हैं उसके 7 दांत हैं अबू बकर आपके कितने ये वाली काले आपके भी 10 हैं सबके 10 चाहिए अच्छा ये बीच में दांत नहीं है तुम्हारे
गॉड, ये कोई जिन लेकर गया। ये कौन ले गया जो बीच में दांत है ना, ऐसे ये कोई जिन आया होगा क्या? ये बीच में दे तुम ऐसे फूंक मारो, यस अब मुंह खोल के ऐसे मारो। देखा तुम्हारी दादा हमारे कर रही है, ये दांत नहीं है तुम्हारे। आपको सीटी बजानी आती है? सीटी कैसे बजाते हैं? सीटी ज़ॉम्बी नहीं खाना है भाई, मुंह से कैसे बजा के दिखाओ। क्या ज़ॉम्बी नहीं खाना है? अच्छा ज़ॉम्बी नहीं खाना है, कैसे कैसे बजाते हैं? अहमद को भी मना कर दिया है, अली को भी मना कर दिया है, और ज़बान काली हो जाती है। आपके पास आंखें कितनी है अहमद? कितनी आंखें? दो है मेरा, दो। और कान कितने? दो। हाथ कितने? हाथ 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 कितने? दो। दो। और फिंगर्स कितनी है? उंगलियां कितनी? ये उंगलियां कितनी है? पियानो बजाते हैं भाई, वाह जबरदस्त यार। उंगलियां कितनी है? उंगलियां दस। और ये टांगे कितनी है आपके पास वैसे? दो। छह छह भाई, छह यार। इंसानों के भी छह होते हैं कोई? इंसानों के भी कोई छह होते हैं यार। किसके होते हैं छह? अच्छा फिर किसके छह होते हैं? अच्छा ये बताओ छह किसके होते हैं? अहमद के। अहमद के छह? अहमद के छह होते हैं? चोर के होते हैं? चोर के छह होते हैं। अरे आपका दिमाग किधर गया? क्यों यार मेरा दिमाग किधर गया बेटा? तू टारगेट पे है। हम तो दोस्त थे भाई, वो बड़ा भाई था मैं। सरेंडर कर दिया बाबा। हां खा लो खा लो। अच्छा अच्छा आपको सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चा कौन सा लग रहा है इसमें से? सबसे दिमाग जिसका बहुत तेज है इन सब बच्चों में? बच्चे नहीं, सबका पूछो, हम सबका। हाँ अच्छा हम सब में, चलो बच्चे छोड़ो, हम सब में दिमाग किसका तेज लग रहा है आपको? थैंक यू अहमद, थैंक यू। किस लिए थैंक यू? तुमने मुझे बताया। किसका आपको कौन सा बहुत, हम सब में से सबसे ज्यादा आपको लग रहा है दिमाग जिसका तेज हो बहुत? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें लगता है कि मेरा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए तालियां, मेरे लिए तालियां। आप बताओ अहमद। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यार। आप जवाब दो। थैंक यू यार, थैंक यू। बस बस शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ओह माय गॉड अहमद, अभी जवाब तो दो ना, किसका दिमाग तेज है? ये देखो ये खबरें पढ़ती हैं, ये गाने गाते हैं, अभी इन्होंने कवाली भी गाई है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और ये बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप दिमाग किसका तेज हुआ ज्यादा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं सबका सबका सबका। मैंने कहा ये तो जादू चला गया। क्यों करिए वो बात ही है। थैंक यू। आया था मगर तुम्हारी तरफ आया था पहले। लेकिन इसने कहा कि बाकी मसला हो जाएगा। अच्छा किस लिए थैंक यू? फिर से किस लिए थैंक यू? अच्छा बात सुनो, अभी हम घूमने चले तो कहाँ घूमने चलोगे? कहाँ घूमने का शौक है? पार्क। आप कहाँ चलोगी आयशा? आप कहाँ घूमने जाती हैं? आयशा आप कहाँ जाती हैं? लकी बन जाती है भाई, ब्रांडिंग हो गई। आप कहाँ जाती हैं? आप जाती हो? नहीं आप जाते हो? आप जाती नहीं हो, आप तो लड़के हो, लड़के तो जाते हैं, तो आपने क्यों बोला मैं जाती हूँ? जहाँ से ताल्लुक रखता है वहाँ तो ये मुजक्कर बोनस का थोड़ा मसला रहता ही है। वैसे ये नॉर्मल सही बोलता है। अभी उसने भी जाती बोला, उसने भी जाती बोला, भी जाती की लपेट में आ गए। जाते हैं घूमने आप पार्क? आप कहाँ जाती हैं? पार्क जाती हैं। और ये दोनों कैसे पार्क हो गए? दोनों एक साथ चले जाते हैं पार्क। चलो ये दोनों कैसे पार्क हो गए? अच्छा आप कहाँ जाते हैं घूमने? लकी वन। ये दोनों चीज जाता हूँ। दोनों चीज? कौन सी दोनों चीज? लकी वन और पार्क। पार्क हाँ। क्या अच्छा लगता है आपको पार्क में? झूला। झूला कौन सा वाला? स्लाइड वाला, स्विंग वो वाला जो वो कौन सा होता है? उसको वो स्विंग कहते हैं जिसको पेंगे लेते हैं जिसमें। हाँ
वैसे आजकल बच्चों को स्लाइम से खेलने का कितना शौक है। अच्छा अच्छा है मेरे हिसाब से, इट्स वेरी क्रिएटिव। स्लाइम, एक स्लाइम आता है, ओए होए, उसे बच्चों खेल, इसके पास हर कलर के। एक दिन मेरे बेटे ने अपने बालों में चिपका लिया, अब मैंने कहा क्या करूं, बाल काटने पड़ेंगे। नहला के नहलाते हुए मैंने गूगल किया, अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसमें दिखाया आप ये करें वो करें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शावर के नीचे खड़ा किए थे और वो कॉम करता रहा। अहमद ने बेसिकली वहाँ का बोला था जहाँ ये जाती है, तो इनको लगा कुछ इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली, इसलिए जा सकते हैं। बताइए अहमद, आपकी आपकी पक्की दोस्ती किससे हो गई अभी सारे बच्चों में से? थैंक यू अहमद, थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच यार। किस लिए थैंक यू? क्यों बोला थैंक यू यार? अच्छा अहमद, वो टीचर कौन थी आपकी स्कूल की, क्या नाम था उनका जिन्होंने आपकी वीडियो बनाई थी? एक टीचर ने आपकी बस्ते वाली वीडियो बनाई थी ना, याद है स्कूल में, उनका नाम क्या था? भूल गए? हाँ याद है उनका नाम, भूल गए भाई। एक्चुअली तो अहमद को मशहूर करने वाली सच्ची बात है वो टीचर थी। अच्छा तो बस्ते वाली वीडियो बनी थी। यस यस यस, मेरा बस्ता वापस करो, मेरा बस्ता वापस। असेंबली में शायद उन्होंने कोई ऐसी वीडियो, नहीं नहीं क्लासरूम में था ये। जी जी, और वहाँ पे फिर क्या वाकया, क्या था वो वाकया? ये थे कि इससे इसका बैग ले लिया और फिर इसने बोला मेरा बस्ता दो दो, वो करते करते यूं ओए ओए करते करते, तो फिर लोगों को इतना क्यूट लगा, फिर उसको मुख्तलिफ शोज में बुलाया, हमारे शो में आया, तो मैंने इसकी बॉल छीन ली, तो मुझसे कहता है, मैंने कहा अच्छा बेच तो, कह रहा है मैं कोई दुकानदार हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा यार कितने में बेचोगे? और गेम भी खेलने? और गेम खेलने, खेले वो भी, वो वाले कौन से वाले? उसमें तो पानी की जरूरत है, उसमें पानी में जाना पड़ेगा। हाँ भाई और गेम्स लाओ ना, अहमद कह रहा और गेम खेल लें, हमको समझ क्या बना रहे वो वाले। चलो ट्रेन बना के खेलते हैं, ट्रेन बनानी आती है? ट्रेन बनानी आती है आप लोगों को? हां ऐशा मम्मा के साथ खेलती हूं। चलो ट्रेन बनाते हैं, चलो ट्रेन। हां मैं खेलेंगे, खेलेंगे ट्रेन पहले, कैसे खेलेंगे साथ खेलेंगे ना? हेलीकॉप्टर क्या बनाना है? नहीं आती, मैं बताता हूं, सिखाता हूं, ऐसे बनते हैं। पानी वाला गेम है ना, पानी वाला, मैं पानी वाला गेम बनाऊंगी। पानी वाला गेम खेलोगे? पानी वाला गेम लेकर आओ भाई, पानी वाला गेम खेलेंगे। अच्छा स्विमिंग करने का शौक किसे है? तैरने का शौक पानी में किसे? आयशा स्विमिंग, आपको आपको तैरना आता है? ये हमारी बेटी, हमारी बेटी पानी की मछली है, हम बीच चले जाते हैं तो बगैर रोए पानी से निकल जाते हैं। आपको इसको स्विमिंग आती है? ओ यस भाई, ये पानी के ये अली अलिया आयशा का भी है, हमारे घर में यार। आप तो स्विमर बनने वाली हो भाई हैं? घर में हम पूल लगाते हैं, और ये पूरे दिन होते हैं। मोटू भी ऐसा करता है, जो कार्टून है ना मोटू, वो बता रहा है वो भी ऐसा करता है, पानी में नीचे जाता है फिर ऊपर आता है छलांग। अलियान तो माशाल्लाह स्विमर है, तो बाहर निकाल के छलांग मारता है। पिंक कलर का चाहिए, ये पिंक कलर का क्या चाहिए वो आयशा बताइए। क्या कह रहे हैं? ये कौन सा पकड़ेगा? ये कौन पकड़ेगा वो पूछ रहा है। मैं चलो भाई नेक्स्ट गेम के लिए तैयार है? फुल बराबर से नेक्स्ट गेम के लिए तैयार है? हाँ नेक्स्ट गेम हम क्या करने वाले हैं? क्यों है, क्या हुआ? उसने कहा उसको मैं पकड़ लूं, कहता है पकड़। ओके जी, हाँ अच्छा अच्छा, ये देखो ये तो हाइट बड़ी हो गई ना बच्चों के लिए, इस वाली टेबल पे रख ले। ये टेबल बड़ी है, छोटे ब्लॉक्स लाए। हाँ वही ना, पता नहीं क्या बच्चों के अब्बा अम्मा करेंगे क्या, अभी बताएंगे, ये मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। वो तो बच्चे कैसे करेंगे इतने ऊंचे पे कर सकते हैं? ड्रेस तो है ही नहीं, कॉस्ट्यूम तो है ही नहीं आपका, फिर आप कैसे करेंगे? क्या करें, जो रखने वाले उनके बच्चे नहीं है, उनको पता नहीं है। छोड़ो उठाओ इसे, हटो नहीं, ड्रेस क्यों खराब होने दो, ड्रेस खराब हो जाएगा आपका। चलो यहाँ रखो, हाँ मैंने जल्दी 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 लाओ। चलो भाई समर कैंप में भी उसमें तो काम करना पड़ता है, अब सारों को काम करना पड़ेगा। चलो और भी लाओ, दोस्तों को दे दो, जाओ जाओ दे दो सबको, आ जाओ। हाँ थोड़े से पीछे और करें अनु, सही है
या पीछे कर रहे हैं? करेंगे प्लीज। हाँ, अब आप लोगों ने ये स्पंज को इस कलरफुल पानी में डालना है ना? अभी नहीं, अभी नहीं, जब आयशा आप भी डालोगे, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? इस स्पंज को सब सुन लो, इस स्पंज को कलरफुल पानी में डिप करना है, ऐसे डुबाना है। उसके बाद इसके अंदर दूसरे पानी के अंदर ऐसे स्क्वीज करना है, ऐसे इसको निचोड़ना है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, कर लोगी ना? हाँ, उसके पहले स्पंज देखा तो उसके बाद फिर दोबारा से डिप करना है इसमें। इसमें पानी जिसका ज्यादा भरेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? आ गई समझ? चलो भाई आओ। अबू बकर आप अहमद की हेल्प करोगे। अहमद आओ ना। मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्या एटीट्यूड है भाई? क्यों क्यों नहीं करोगे? ये तो कलरफुल पानी वाला है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं मेरे नए कपड़े। अहमद दूसरे कपड़े दे दूंगी मैं, खराब नहीं होंगे। क्यों? बहुत मजा आएगा कल के, तो देखो एक दफा। क्योंकि मैंने अशोक का कपड़े नहीं खराब होने चाहिए, तो कह दिया आप मुझे दे दीजिएगा कपड़े, लेकिन खेलना जरूर है। मैं आपको दे दूंगी। अहमद सोच लो, एक और गिफ्ट मिलने वाला है, वो गिफ्ट कोई और ले जाएगा। क्या नहीं खेलना, नाराज हो गए हो? अभी तो आपने बोला और गेम खेलो। अच्छा, इसमें क्या चालाकी छुपी है? तुम सारे गेम खेलना चाहते हो, ये वाला मना कर रहे हो तुम? क्या है इसमें, ऐसी क्या बात? अच्छा नहीं लग रहा है, गेम चेंज कर दूं? थैंक यू अहमद, थैंक यू, थैंक यू यार, थैंक यू यार। आओ ना अहमद, खेलते हैं। चलो अहमद, अहमद को ये पहना देते हैं, ये पहना देते हैं अहमद। अच्छा यार, ओ भाई कुछ ये पहनोगे? नहीं, चलो अहमद हाथ तो पकड़ो मेरे साथ, तो चलो उधर, उधर तो चलो। अच्छा खेलना नहीं, सर पे मैंने। अरे भाई अहमद नहीं खेल रहा भाई, उसने ना कर दिया। चलें फिर हम लोग खेल लेते हैं। और एक गेम से कहूं आपको कैसे खेलते हैं, उसको गले में बंद करें। अच्छा कहाँ गया वो? अबू बकर आपके हाथ में है। चलो सबका अलग अलग है, तो अहमद जज कर रहे हैं। हाँ अहमद जज कर, अहमद मजा बहुत आने वाला है। अभी रुक जाओ, तुम्हें पता है क्यों नहीं खेला इसने? नहीं, पिछले गेम का एक्सपीरियंस याद है इसको, और अबू बकर को भी याद है, वो भी डर रहा था खेलते से। चलो आयशा रेडी, गेट सेट गो। चलो भाई एंजॉयमेंट फन शुरू। आपको पता है आपके बच्चों के मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि बच्चे इस एज में लिखना शुरू करते हैं। अंदर इससे आपके बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों से कहते हैं, एक जमाने में मुझे याद है कहते थे कैंची नहीं चलाया करो, अम्मा अब्बा की लड़ाई हो जाती है, मगर आजकल स्कूल में कैंची चलाते हैं, उससे ग्रिप स्ट्रांग होती है। अम्मा अब्बा की लड़ाई इतनी हो रही है, चलो कैंची चला दो। ये देखो इतना मजा आ रहा है। अगर आपको बच्चियों को अच्छी मासियां बनाना हो तो भी करवा सकते हैं। कितने खराब हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हमारी बारी में ताली वाली मर गई, औरत कहां गई? भाई जिंदा है, जिंदा है। अबू बकर और जहरा जो है वो जीत रहे हैं, और मिनाल ट्राई कर रही है, आयशा जो है वो उनकी छोटे छोटे हाथ है तो जाहिर है। अरे भाई जीत गई है, चेक करें। और नाज़रीन ख़वातीन और हज़रात, ये देखिए पक्की मासी। जल्दी जल्दी मासा भी है, दो मेडल चाहिए। और आप चेक करें एक आदमी कितना समझदार है, उसने इस गेम से इज्तिनाब किया, वो आए ही नहीं। वो देखिए क्या हुआ है, मैं सब पर। हाँ ओके भाई, ये हो गया एक गिफ्ट जहरा के लिए, ये आप जीती है। क्या बात है भाई, जहरा रोल करें। टू टू प्राइजेस, टू टू प्राइजेस, वाह भाई वाह वाह। अच्छा टाइम अप हो गया, निदा पपोने आपको मजा आ रहा है, थैंक यू, जोरदार ताली। और आप अबू बकर के लिए, और आप अबू बकर के लिए भाई, अबू बकर के दो मेडल्स, अबू बकर ने दो मेडल्स जीत लिए। अबू बकर जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। हाँ भाई किसी को टिश्यू चाहिए? भाई मैं साफ बता रही हूँ,
इन्होंने इसलिए नहीं खेला कि इनके व्हाइट कपड़े थे, इन्होंने तो मेरे कपड़े व्हाइट खराब उसके सामने भी यही कपड़े की शो पे हाँ यही पहनेगा क्या नहीं ना नहीं वो दूसरे कपड़े होंगे बेटा आप तीन 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 कपड़े चेंज करोगे आज है ना अभी आज शो में क्या करोगे मजे की कम्युनिकेशन चल रही है हाँ। अपनी एक पूरी फैमिली लाइफ चल रही है उधर अपनी पूरी दुनिया है बच्चों की भाई आप कुछ भी कर लो अच्छा चलो मुझे बताएं इनकी बचपन की जब छोटे पैदा हुए थे कोई एक ऐसी चीज जो आपने देख के कहा अरे यार ये तो हमारी जैसी है तो बिल्कुल हमसे मिलती है इसके सोने का तरीका या इसके खाने का तरीका या इसके रोने का तरीका ये exactly तो मुझे नहीं याद मगर एक चीज मुझे याद है हाँ. जो बहुत ही ज्यादा लाउड एक मेमोरी हाँ. है मेरी हाँ. कि मैं बहुत इश्तियाक में था इफ यू रिमेम्बर दानिया के मिसकैरेजेस हो रहे थे मेरी वाइफ के और हम दोनों को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी दो बेटे ऑलरेडी हमारे यहाँ थे माशाल्लाह से अल्लाह के करम से तो बेटी के लिए हम ट्राई कर रहे थे अच्छा. और जब ये हुई है तो इसको इनक्यूबेटर में लेके गए तो वो ऑल दैट टाइम मैं आई वॉज डाइंग टू सी हर एक्चुअली कि मैं इसको पहली मतलब देखूं हाँ. तो वो उसको गड्ढे में अंदर रोल ले गई अंदर तो मैं भागता हुआ उस नर्स के पीछे गया मैंने कहा कि मुझे देखना है के लिए हाँ. एक मिनट रुक जाए इसको जाना है वो जो इमरजेंसी की चीजें होती है ना तो अब उसे बच्चों में ले जाके रख दी वो अपने 15-20 बच्चे इंक्यूबेटर में रखे हुए इधर उधर अब मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि यार कौन सी है मेरी बेटी मेरी बेटी कौन सी है इसमें तो नर्स ने मुझसे कहा कि ये आपकी बेटी देखना चाह रहे हैं आप मैंने कहा दिखाइए चलिए वो देखिए एक बच्ची इनक्यूबेटर को उसने अपने पैरों से यूं उठाया हुआ था और बार बार पीछे फेंक रही थी और गिर रहा था वो तो नर्स आके उठा के लगा रही थी कहने लगी क्या कौन है ये क्या मसला है इसके वो ये बच्ची थी ये थी हो तो उसके बाद मैंने एक जुमला कहा वो तारीखी है मैंने कहा बिल्कुल माफ गई एक ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद मस्तियां जारी रहेंगी और अहमद अब आगे गेम खेलोगे कि नहीं खेलोगे नहीं खेलोगे दूसरा कोई कोई गेम ऐसा है जो उसने पता नहीं इजाद किया हुआ है मैं से पूछती हूँ ब्रेक के दौरान फिर खेलते हैं अब आपने आपका आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बोलो मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक साथ बोलो मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान यस यस वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमारे पास कौन आए हुए ये खुद बताएंगे कौन आए हुए हमारे पास क्या नाम है आपका पीर डॉक्टर अहमद शाह पीर डॉक्टर अहमद शाह क्या बात है और हमारे साथ और बहुत सारे और क्यूट बच्चे आए हुए हैं अबू बकर हैं हमारे साथ मिनाल हैं हमारे साथ आयशा आयशा की शक्ल तो दिखाओ आपकी तो बैक आ रही इधर आपकी शक्ल दिखी शक्ल स्टेज पे चढ़ना पसंद किया नहीं ये जो शूज नहीं देखने मुझे आयशा इधर आयशा जाइए मुंह देखना है ये नहीं जूती नहीं देखनी मुझे इधर आओ ना अहमद क्या कह रहा है क्या लगा हुआ इधर आओ और हमारे साथ गरीब आओ आयशा अहमद से पूछो अहमद क्या कह रहे हैं आपको जाओ अहमद से बात करके आओ हाँ अहमद कुछ कह रहा है आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है आयशा इधर आओ मैं सही साफ करूं नहीं भाई वो मेरे पास नहीं आपने कभी बोला चॉकलेट है क्या पता लगा कैसी आंटी की तबीयत तो नहीं हूँ मैं ठीक है चलो शुक्रिया भाई अच्छा भाई अहमद अभी हम सबको कुछ सुनाने वाले हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं ये नहीं इसको अच्छा नहीं आता सूरतें याद हैं इनको हाँ इनको ये अभी क्या सुनाने वाले हैं कुल्लू अल्लाह आइए जी सुनाएं कैसे शुरू करें चलो भाई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लू अल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहु कुफुवन अहद आज बहुत सुभान अल्लाह बहुत अच्छा भाई कौन याद कराता है आपको ये सब सुभान अल्लाह वो भी बोले सुभान अल्लाह आपको ये सब याद कौन कराता है हाँ खुद ही याद करते हो कोई तो कराता होगा शर्माने की क्या बात है इसमें
नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात, और क्या अबू बकर याद कराता होगा, अबू बकर आप याद कराते हैं, थैंक यू। अच्छा बच्चों की एक अलग लैंग्वेज होती है, वो अपनी रवानी में पढ़ते हैं, इसने भी पढ़ा अभी अपनी रवानी में। अच्छा आपने देखा ABCDEFG एलो मेनो पी होता है, MNOP कभी नहीं होता, वो एलो मेनो पी होता है वो। अच्छा शुरू से, सॉरी सॉरी, एक बार हमने सुना नहीं, एक दफा शुरू से दोबारा से, यहाँ जैसे अहमद आया था ना वैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के, उधर उधर मुंह करो, उधर उधर मुंह करो, कैमरे की तरफ आ रहे हैं, पीछे देखो कौन है। चलो अब सुनाओ, चलो भाई अब सुनाओ, सुनाओ जल्दी से, आयशा आ रही है ना, आयशा सुनाओ जल्दी से। नहीं क्यों, चलो बस फिर गंदी बच्ची हो गई आयशा, चलो भाई अब देखो, बात कर देखो अहमद ने कैसे सुनाई फटाफट, फौरन एक दफा मेरे कहने पे सुना दी। मुझे एक दफे का वाकया याद आ गया, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे बारे में एक दफे यही कहा था कि घर में खूब बातें करती थी, होता था मेहमान क्या गए वहां जाके कहा कि चलो नेता कुछ सुनाओ, हाँ। तो हाँ। और वैसे बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए, बच्चे को शो पीस थोड़ी हर किसी के सामने जाके पेश करते हैं, मोटी होते हैं, हाँ कभी मुझसे करते हैं, अपने मिजाज से मेरे ऊपर ही आ चला है। अभी जब आयशा को लगा कि सुनाना चाहिए, वो शुरू हो गई खुद, आयशा अच्छा उसी पे असर, हाँ आयशा पे असर। अच्छा ये ऐसे कैसे ऐसे बैठा हुआ है, क्या सोच रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे सारा दिन बहुत काम करना है, अभी मुझे क्या, अभी क्या करोगे घर जाके, अभी क्या करना है घर जाके, सोना है, प्यारी बात कर रही हाँ, जंप्स लगाएंगी आप पहले, आप वो तो सुनाए जो आप सुनाने वाली थी, सुरह क्लास सुनाइए जल्दी से, सुरह क्लास सुनाए चले, शाबाश प्लीज आप। अच्छा सुरह कौसम सुना दें, नहीं फिर वो मूड है भाई, मूड नहीं है, मूड नहीं है, आपका क्या मूड है, क्या सोच रहे हैं अब हम क्या करें, खाने में क्या अच्छा लगता है आपको, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, और आपको, आपको चावल, चावल आपको, आयशा आप गिर जाएंगी, आयशा आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आयशा बहुत जोर के गिरेगी, नहीं आयशा आप क्या खाती हैं जल्दी से बताइए, बिस्मिल्लाह या अल्लाह, वो स्टेप तकरीबन उनके साइज का स्टेप था ये, हाँ ले आई वैसे कुछ कर, वो सब जमा कर रही है, गेम बनाना है, आइसक्रीम कौन सी पसंद है आपको, आइसक्रीम कौन सी पसंद है, हाँ भाई कौन कप वाली, कौन वाली ठंडी वाली, ठंडी वाली आइसक्रीम, फिर ठंडी है, ठंडी वाली, आवाज खराब हो जाएगी ना, पीछे आपकी आवाज खराब हो जाएगी, लेकिन मैंने तो सुना कि कौन वाली बच्चे को, आपको कौन वाली आइसक्रीम पसंद है आपको, नहीं मैं आपको बताऊँ, अहमद ठंडा पानी नहीं पीता, अहमद को ठंडा पानी की इजाजत नहीं है, चॉकलेट वाली, गला खराब ना हो। अरे मुझे एक आईडिया आया, अगर आपकी इजाजत हो जी, तो पांचों बच्चों का एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, गाना आता आपको, एक एक लाइन कुछ तो नाच सुना दो, पोयम सुना देना, हम सुना दो, हम पोयम तो हो गई ना, मैं चाह रहा हूँ जरा तरन्नुम तो सुने गले में कितना है, चलो भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, आयशा आयशा आज तुम्हारी बारी आ गई, आओ जल्दी जल्दी आओ, जरा आपसे शुरू करते हैं, चलो आजो डैडी के पास जाओ, आयशा हाँ। कोई गाना कोई नात याद है तुम्हें, अरे तुम तो मेरी बेटी हो, आयशा पीछे से देख रही था, पीछे देख रहा था। अच्छा बताओ कुछ सुना दो जल्दी से, ट्विंकल 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 सुना, आयशा जल्दी से सॉन्ग, पार्टी में खड़े हो ट्विंकल उधर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, How I wonder what you are. Up above, so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above, so high, like a diamond in the sky. Aisha, aapki baari. Aisha, aapki baari. आयशा को अब छोड़ दी गेम में, कौन सी सुनाओ, फाइव लिटिल मंकीज, चलो सुनाओ ट्यून में सुनानी है गा के, हाँ गा के, फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन हिज हेड, मामा को नो डॉक्टर है नो डॉक्टर सैड, नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, चलो अबू बकर क्या सुनाएगा, अबू बकर को भी कुछ आता है, हा? कुछ सुनाना आता है, चलो भाई अबू बकर की बारी है, चलो चलो बोलो, हाँ सूरत सुना दो, चलो जो भी दिल चाहे, हाँ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف इतने प्यारे तरीके से बच्चे ने सूरह कुरैश पूरी खूबसूरती से पढ़ी है जी मनायल क्या याद है आपको बहुत प्यारा और बहुत वेल बिहेव्ड के साथ हां आप भी सुनाएंगी हां सुनाओ क्या सुनाएंगी क्या सुनाएंगी हां जॉनी 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 आ जाओ जॉनी जॉनी पापा जोर से ईटिंग सूगर नो पापा टेलिंग लाइस नो पापा विल माउथ Ha, ha, ha. One beautiful thing about this poem is she kept looking at you. Aisha? So, tum hi dekhte ban rahi thi. Acha, last game kya? Ye bhi saab bol raha hai. Main bhi sunaunga. Ye bhi saab bol raha hai. Kya matlab? Ye bhi saab bol raha tha. Ye bhi saab bol raha tha. Oh, cheating ho rahi thi. Hain? Ye kehna chah rahe ho? Apni beti ko bata rahe the. Are bhai, tahobala aa gaya set pe piche. Acha bhai, last game khel rahe hain. Hamare paas time hai. खेल सकते हैं बॉल्स वाला टाइम नहीं है ओहो अब तो टाइम खत्म हो गया घर जाने का टाइम आ गया आप उदास हो कि खुश हो खुश हो जान शूटिंग प्रोग्राम खत्म हुआ आपको जो टीवी में आने में मजा आता है कि नहीं आता मजा सच्ची बताना मुझे आता तो है मजा लोग पहचानते हैं मजा तो बहुत आता है वैसे क्या ख्याल है, है? नहीं अच्छा टीवी पे आना ज्यादा अच्छा लगता है या स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है क्या ज्यादा मजा घर जाना ज्यादा अच्छा लगता है अच्छा बात सुनो अभी वापसी में ना मेरी वेस्टकोट देते हुए जाना ये तो इनकी है ना ये आपने मुझे देते हुए जाना ये तो उतार दो ना ये तो इनकी है भाई मेरी ये वापस दो ना हो गया शो खत्म लाओ दो वापस ये किसकी है फिर अरे दो ना मेरी है यार नहीं भाई 700 रुपए की ली थी मैंने तुम्हारे चाचू आए थे कहने लगे 100 रुपए किराए पे दे दो लाओ दो ये क्या बात है यार चीज तुम लोगों की चीजें रख लेते हो यार और चप्पल आपकी है चप्पल मेरी है लेकिन ये थैंक यू थैंक यू यार थैंक यू वेरी मच मैं थक गया अभी सामने से बहुत काम करना है और आप अगर आप इसको और देखना चाहते हैं मजीद तो हमारी ट्रांसमिशन देखिएगा वसीम बदामी के साथ फिर आगे हमारी ट्रांसमिशन को और ये आगे लेके चलेंगे तो सारा रमजान का बर्डन तो इन्होंने उठाया हुआ है भाई जी 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 ये आजकल के अमीर लियाकत एक जैसे कपड़े रिकॉर्ड हो गए चले गए नहीं गुड शो इट वाज अ गुड शो टुडे इट वाज अ गुड शो थैंक यू यार आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं थैंक यू यार आपने कहा कि मैं बहुत प्यारा हूं थैंक यू यार आपने अपनी सारी चॉकलेट्स मुझे दे दी थैंक यू यार आपने अपने सारे कपड़े मुझे दे दिए थैंक यू यार चले भाई खुदा हाफिज बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया तो खुदा हाफिज करें अहमद को थोड़ी देर के लिए थोड़े घंटे बाद अहमद फिर आपके सामने होंगे अल्लाह हाफिज अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी